तो आज मैं अपने माइनक्राफ्ट वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म करने वाला हूँ एक ब्यूटीफुल विलेज में। अब जैसा कि आप लोग को याद ही होगा कि मैंने अपने वर्ल्ड में कासल बनाया, म्यूजियम बनाया, जू बनाया, मेंशन बनाया और इतनी सारी चीजें बनाने के बाद भी मुझे मेरा वर्ल्ड ना ज्यादा ब्यूटीफुल सा नहीं लग रहा था। तो आज के वीडियो में हम लोग अपने माइनक्राफ्ट वर्ल्ड को पूरा चेंज कर डालेंगे। हर तरफ हरी भरी हरियाली होगी, जगह जगह पे मस्त मस्त फ्लावर्स होंगे, रिवर्स होंगी, वाटरफॉल, लेक, सब कुछ मैं बनाने वाला हूँ। लेट्स गो। फिर देरी किस बात की, जल्दी से चलते हैं वीडियो में। बैठा अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो और अभी तक आपने नीचे सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो उसको भी जाके दबाओ और उसे भी खूबसूरत कर दो यार। लेट्स गो, चलते हैं वीडियो में। ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू माय वर्ल्ड। फिलहाल अभी मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना मैं आप लोग को सबसे पहले ना अपने वर्ल्ड का एक छोटा सा टूर करा देता हूं कि आखिरकार अपना वर्ल्ड अभी कैसा दिख रहा है और इसके बाद जब मैं इसे पूरा ट्रांसफॉर्म कर दूंगा तब ये कैसा दिखने वाला है, उसके बीच का आपको सही से डिफरेंस पता चल जाए। फिलहाल अभी आप चारों तरफ देखो, यहां पर अपना ये म्यूजियम है बट अगल बगल हरियाली तो है पर एकदम फ्लैट ग्रास, कोई ट्रीज वगैरह नहीं है और बस ग्रास ब्लॉक है। ग्रास भी नहीं है, लीव्स नहीं है, फ्लावर्स नहीं है, मतलब बिल्कुल फ्लैट सा वर्ल्ड है, काफी खाली खाली दिख रहा है। ये एरिया भी मतलब अच्छा है बट बहुत ज्यादा खाली खाली सा है। इस तरफ में मैंने यहाँ पर बीच में एक ट्री बनाया था जो कि बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके अगल बगल जब कुछ इसी टाइप के ट्रीज होंगे तब ज्यादा अच्छा लगेगा। तो अभी फिलहाल के लिए जो टॉप व्यू है वो आप लोग एक बार देख लो कि कैसा दिख रहा है अपना वर्ल्ड और इसमें मैं क्या क्या कस्टमाइजेशन करने वाला हूँ वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मतलब काम कहाँ से कैसे शुरू होना चाहिए ये हमें पूरा पता होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले तो मैंने ये सोचा होगा कि कासल के बाहर ना मैं बहुत सारी लीव्स लगाऊंगा, जैसे मैंने ये लगाई हुई है ना, तो सेम इसी टाइप की और पत्तियां लेकर आएंगे, उसे मैं पूरा ढक दूंगा चारों तरफ से। और फिर उसके बाद ना मैं यहाँ पर लगाऊंगा आयरन बार्स जिससे कि एक बैरियर वाली फील आए। और यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि ना थोड़ा सा एक कुआं, मतलब जो वेल होता है वो बनाया जाए इधर इधर या फिर यही साइड में मैं बनाऊंगा उसको। रिसेंटली मैंने ये बैंक बनाया था, आप लोग को याद होगा, लेकिन बैंक का बस एक्सटीरियर बनाया था, अंदर से खाली है तो इसका दरवाजा बंद कर दो अभी के लिए। हाँ, और इसके साथ ही मैंने बनाई थी यहाँ पर अपने कासल के सामने एक लाइब्रेरी और इस लाइब्रेरी को मैंने पूरा कंप्लीट करा था जो कि सचमुच में बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है। तो इसमें हम लोग आज कुछ भी नहीं करने वाले, ये ऐसी बहुत सही लग रही है। पीछे अपना अम्यूजमेंट पार्क है और अम्यूजमेंट पार्क के पास का भी एरिया हमेशा की तरह बिल्कुल फ्लैट। बेचारा ये एक ट्री, ये पता नहीं कैसे बच गया, मेरे को तो ये नहीं समझ आ रहा। इसको काट देते हैं। चलो अब मैं जब ट्रीज बनाऊंगा तो एकदम सही तरीके से ही बनाऊंगा, एकदम प्यार से। हाँ, तो ये जो मतलब बैक साइड है, ये बैक साइड भी अच्छी है बट जैसे इनकम्प्लीट सी है काफी। तो यार सचमुच में बहुत सारा काम है, काम पर चलते हैं। बट उससे पहले एक बहुत ज्यादा बढ़िया चीज है जो कि मेरा सच में बहुत ज्यादा मन है आप लोग को दिखाने का। बिहाइंड द सीन मैंने म्यूजियम में बहुत सारा काम करा है जो कि मैंने वीडियो में नहीं दिखाया था, बट कोई नहीं, अभी मैं आपको उसका टूर करा देता हूँ। 3, 2, 1, लेट्स गो, चलते हैं म्यूजियम में। अभी देखो ऊपर कुछ भी नहीं लिख कर आ रहा बट जैसे मैं म्यूजियम में गया ऊपर आ रहा है वेलकम टू म्यूजियम। एक जुगाड़ है, जिन्होंने लास्ट वीडियो देखी होगी उन्हें पता चल गया होगा मैंने कैसे करा है। बाकी हाँ, म्यूजियम के अंदर गाइज मैंने ना सभी मॉब्स का मैं टूर करा रहा हूँ। वार्डन मचे मत ले गाइज, सॉरी मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ, मेरे को ना अभी यहाँ से निकलना पड़ेगा। आप लोग को पता ही है मैंने नीचे वार्डन को लाकर कैद कर रखा है और उसने भाई मेरी आंखों के आगे अंधेरा कर दिया है, तो भी मेरे को ना पहले उससे थोड़ा सा दूर जाना होगा। अरे भाई कुछ ही नहीं दिख रहा, हेलो रुक जा भाई। हाँ, तो मेरे को ना पहले ये पहन लेना चाहिए। इसके अंदर मैंने ना स्विफ्ट स्नीक लगा रखा है कि जिससे मैं क्राउच करके भी ना ऐसे बैठ कर भी नॉर्मल स्पीड में चल पाऊंगा। मतलब यार वार्डन का तो आप लोग को पता ही है कि जैसे वो साउंड सुनता है तो फिर वो हमें अंधा कर देता है। तो हाँ, टूर में यही है कि ये देखो फैंटम है और जितने भी यहाँ पर मॉब्स हैं ना मैंने उन सभी का रूम बना दिया है। बाकी ये देख लो, ऐसे ही देख लो टॉर्च की रोशनी से। अरे मत कर यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मुझे ना वार्डन को यहाँ से शिफ्ट करना ही पड़ेगा वरना अपना म्यूजियम जो इतनी हमने मेहनत करी है ना ये किसी काम की नहीं रहेगी। मुझे ना यार नाइट विजन लेकर ही आना पड़ेगा, ये तभी हमें यहाँ से काम करने देगा। तो मेरे पास एक बोतल पड़ी थी नाइट विजन की, ये पी लेते हैं, थोड़ी सी रोशनी हो जाएगी और अभी हमें वार्डन से कोई दिक्कत नहीं होने वाली। हाँ, तो अभी आप लोग देख लो ये यहाँ पर फैंटम का रूम है जो कि बहुत सही लग रहा है। यहाँ पर जितने भी रेड वाले मॉब्स होते हैं उन सब का घर है और यहाँ पर अपने ये विदर भाई साहब जी का घर है और इस तरफ में स्पाइडर्स हैं, वो देखो एक वो बैठी एक वो पीछे बैठी हुई है। यहाँ पर ये ब्लेस का रूम है जहाँ पर लावा और मैंने फोर्ट्रेस वाली कुछ लुक दी है। इस तरफ में नेदर का अपना पिगलिन है, जॉम्बीफाइड पिगलिन, और ये भी खाली है। यहाँ पर समझ नहीं आ रहा किसको लेकर आऊं, आप लोग कमेंट्स में बता दो। और यहाँ पर है अपना डेजर्ट वाला जॉम्बी और इस तरफ में अपना ये एंड्रूमैन बोट में बिठा रखा और थोड़ी एंड वाली लुक दे दी। इस तरफ में जॉम्बीज हैं और इन भाई साहब ने मुझे इफेक्ट दे दिया, नाइस। इस तरफ में अपने क्रीपर भाई साहब, इनका भी मैंने मस्त रूम बना दिया और पीछे
TNT रख दिए हैं क्योंकि क्रीपर भी एक टाइप का TNT है। यहाँ पर स्ट्राइडर है, इस तरफ में अपने वो मैग्मा, यहाँ पर स्लाइम, यहाँ पर एंड्रोमाइट्स, और इस साइड पे मैंने रखा है ड्राउन जॉम्बी, उसको मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। उस तरफ है जॉम्बी विलेजर, और यहाँ पर अपना ये गार्डियन, और इस तरफ में अपने इवोकर भाई साहब, जिनको मैं लास्ट टाइम नहीं लेकर आ पाया था, रेड करवाई फिर मिल गए, और यहाँ पर अपने स्केलेटन। अब सबसे मस्त चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जो कि है बेसमेंट में। मैंने उसकी एंट्रेंस भी बहुत खतरनाक बनाई है, ये देखो। एंड एक बार ये आप लोग फील देखो कितनी ज़्यादा डेंजरस है नीचे जाने की, मतलब लग रहा है किसी बहुत खतरनाक जगह पर जा रहे हैं। और यहाँ पर है सारे डेंजरस बॉस, जितने भी माइनक्राफ्ट के बॉस हैं। नेदर की बॉस है गास्ट, इस तरफ में अपने वार्डन भाई साहब, उनको मैंने ना कन्फ्यूज कर रखा है पिस्टन के वहाँ, ताकि वो मेरी आवाज़ ना सुने। और लेफ्ट हैंड साइड पे है अपने विदर, जो कि हमेशा शोर मचाते रहता है। और इस तरफ में है गार्डियन, सॉरी एल्ड गार्डियन, मतलब ये पानी का बॉस है, ये नॉर्मल वर्ल्ड का बॉस है, और ये है नेदर की बॉस, और ये भाई साहब जी हैं एंशियंट सिटी के बॉस, मतलब अंडरग्राउंड माइनक्राफ्ट के बॉस हैं ये। तो चारों तरफ के बॉस हमारे पास आ चुके हैं। फिलहाल अभी ना मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि ये जगह बहुत बेकार है। और हाँ, मैंने ना यहाँ पर एक बहुत मस्त जुगाड़ बनाया, और कहाँ चले कि मैंने इधर ना एक गौशाला बना दिया है, मतलब वो इफेक्ट दे देता है ना। तो मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ से एक बकेट लेनी है, इस बकेट से इस इधर आओ भाई साहब, इनसे मिल्क निकालना है। नाइस, तो मैंने मिल्क ले लिया, इसको पी के मैं इफेक्ट क्लियर कर सकता हूँ। और इधर मैंने एक नहीं दो काँव लगा दी, दूसरी वाली किधर थी, इधर ही कहीं मैंने एक और काँव लगाई है, एक है ऊपर दूसरी, यार वेट, मैंने दूसरी लगाई है, यहाँ पर लगाई थी क्या, हाँ ये रही दूसरी वाली काँव, तो यहाँ पर मैंने इसे लगा रखा है। अभी फटाफट हम लोग यहाँ से निकलते हैं और अपना आगे का काम स्टार्ट करते हैं। मेरे को ना वार्ड एंड विदर किसी से मजे नहीं लेने यहाँ पे, तो उड़ो और भाग जाओ इस म्यूजियम से भाई, बहुत डेंजरस जगह है सचमुच में। लेट्स गो, फिलहाल टूर कराते कराते रात ही होगी, अभी चलते हैं सोने। कल से हम लोग करने वाले हैं सारा काम स्टार्ट, और अपने इस बढ़िया से वर्ल्ड को और भी ज्यादा बढ़िया बना डालेंगे। बाकी यहाँ घासल के अंदर बात करी जाए तो शायद डेकोरेशन की बिल्कुल कमी नहीं है। यहाँ पर फ्लोर पे जितना काम हुआ है ना, शायद उतना काम कहीं नहीं हुआ होगा। और मेरा बेड तो मैं अपनी इन्वेंटरी में लेके घूमता हूँ आजकल, अपना कोई ठिकाना नहीं है भाई, इतना बड़ा घासल है, कहीं पर भी सोचा कोने में सोऊंगा, नहीं कोने में कुछ मैं सोऊंगा अपने एकदम थोन के सामने। चलो भाई हटो भाई आगे से। गुड मॉर्निंग गाइस, नेक्स्ट डे हो चुका है, बेड कलेक्ट कर लेते हैं और फटाफट से हम लोग चलते हैं आयरन बार इकट्ठा करने के लिए। मेरे पास ढेर सारा आयरन पड़ा है, तो मेरे को आयरन बार बनाने हैं। यहाँ पर बहुत सारी वुड तो पड़ी हुई है, बट इस वाली इन्वेंट्री में आयरन नहीं है। चलो कोई नहीं, मैं आयरन ढूंढ लेता हूँ, वुड भी कलेक्ट कर लेता हूँ, इसकी भी जरूरत पड़ने वाली है बाद में। स्टोन भी मेरे को चाहिए होगा, स्टोन ब्रिक्स भी चाहिए, ग्रास ब्लॉक भी चाहिए, तो ये ले लेते हैं। ओके, तो मैंने काफी सारे ब्लॉक ऑफ आयरन कलेक्ट कर लिए हैं, फटाफट से चल करना। एक काम करता हूँ, पहले तो ना थोड़ी सी इन्वेंट्री खाली करवाते हैं, जितना भी सामान है मैं सारा का सारा ना अभी तो फिलहाल चलकर बॉक्स में रखवा देता हूं। डन, तो अभी जितना भी ब्लॉक ऑफ आयरन है ना, मुझे इसे कन्वर्ट करना होगा आयरन बार में, बट उससे पहले आयरन इंगेट्स बना लेते हैं। बट आई थिंक आयरन बार बनता है आयरन नगेट्स से, मेरे को सचमुच में उसकी रेसिपी नहीं पता यार। नहीं, शायद आयरन बार आयरन इंगेट्स, यस ऐसे बनता था, मेरे को पता था। आई थिंक काफी सारा बन चुका है, जितना भी बाकी आयरन बचा है इसको मैं वापस ब्लॉक में कन्वर्ट कर लेता हूं। ऑलराइट गाइस, तो भी मैंने ढेर सारे आयरन बार इकट्ठे कर लिए हैं और कुछ बोन मिल भी इकट्ठा कर लिया है, वो किस लिए वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो ये जो आयरन बार है ना, इनसे बहुत ज्यादा प्यारी लुक आने वाली है इन सभी लीव्स के आसपास, मतलब मैं इसको पता कहाँ लगाऊंगा, इन सभी आयरन बार को ना मैं कुछ इस टाइप से लगाने वाला हूँ यहाँ पे। अब जो भी जैसे पार्क्स वगैरह में हम लोग जाते हैं ना, जैसे वहां पे लगा होता है, तो कुछ वैसी सी वाइब यहाँ पर आने वाली है। और सबसे मस्त चीज, मैं इन सभी लीव्स को ना यहाँ से हटा कर ना एक लेवल का करने वाला हूँ कुछ इस टाइप से, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। और एक सेकेंड यार, मैंने ना ये नहीं बनाई है, मेरी पुरानी वाली मैंने पता नहीं किस चेस्ट में रख दी, तो मेरे को इसके अंदर सिल्क टच लगाना है। मेरे पास पड़ी होगी बुक जहां तक मुझे लग रहा है सिल्क टच की। ओके ओके, ये पड़ी सिल्क टच की बुक, तो मुझे ये चाहिए। लेट्स गो, फटाफट से चल के बुक को लगा लेते हैं, इसको रखा यहाँ पर और ये लग गए सिल्क टच। लेट्स गो, तो अभी क्या होगा, मैं किसी भी लीव को तोड़ूंगा ना, तो वो टूटेगी नहीं, वो डायरेक्ट मेरे पास ऐसे आकर कलेक्ट हो जाएगी, जिसे मैं कहीं और प्लेस कर दूंगा। तो इसको हटाकर एक बराबर कर देते हैं, और इन सभी की बाउंड्रीज पर मैं प्रॉपर आयरन बार को लगाने वाला हूं। और हाँ, जितने भी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैंने अपने हाथ में ये ब्लेज रोड क्यों पकड़ा हुआ है, वो इसलिए ताकि आसपास ना थोड़ी रोशनी रहे, ये ग्लो करती है। तो फिर ठीक है, फटाफट से कुछ इसी तरीके से मेरे को ना दोनों तरफ आयरन बार लगाने हैं, जैसे मैंने इधर लगाया सेम टू सेम मैं इधर ही लगाने वाला हूं। और ये सारी छोटी छोटी चीजें जिसपे मेरे को पूरा फोकस करके अपने वर्ल्ड को ब्यूटीफुल बनाना है। यहाँ पर मेरा प्लान ये है कि मैंने इधर एक मस्त लेक बनाऊंगा, मतलब एक नेचुरल लेक, ऐसा रेडीमेड लेक नहीं लगेगी, वो प्रॉपर
सैंड, क्ले, सब कुछ लाके रखने वाला हूँ मैं उसके अंदर। और मेरा प्लान तो ये भी है कि मैं उसके अंदर फिश भी लाऊंगा और डॉल्फिन भी लाऊंगा। सचमुच में यार काम करते करते दोबारा से रात होगी, पता भी नहीं चला, बट कोई नहीं, मेरे पास बेड है, मैं तुरंत सो जाऊंगा यहीं पे। ओके, तो ये सचमुच में काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है, बट एक चीज मिस है, मतलब इसको ना मुझे यहाँ पर फिनिश करना है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इधर ना एक स्टोन ब्रिक की वॉल लगाई जाए। सारा सामान शल्कर बॉक्स में ही रखा हुआ है, तो क्यों ना मैं शल्कर बॉक्स को यहीं पर रख दूं और ये स्टोन ब्रिक्स वगैरह से ले लेता हूँ। मैं यहाँ से एक वुड ले लेता हूँ, एक क्राफ्टिंग टेबल बना लेते हैं और इस क्राफ्टिंग टेबल से जो जो मेरे को चाहिए होगा वो मैं लगे हाथ बनाते रहूंगा। तो मेरे को स्टोन ब्रिक का वॉल चाहिए था और ये आगे अपना स्टोन ब्रिक का मस्त वॉल। इस वॉल को मुझे रखना है यहाँ पर और ये सचमुच में अब अच्छा फील आ रहा है पहले से, मतलब ऐसा लग रहा है फिनिश हो रहा है। और एक चीज ये मेरे को यहाँ से हटाना है, यहाँ पर जो पानी है ना अच्छा लग रहा है, बट मैं सोच रहा हूँ पानी को इस तरफ शिफ्ट करते हैं और इधर लगाते हैं स्टोन ब्रिक्स कुछ इस टाइप से। इससे होगा क्या कि यहाँ पर भी मैं लगा दूंगा और इस तरफ में भी आयरन बार लग जाएंगे, मतलब जैसे नीचे वाले फ्लोर पे आयरन बार है सेम वैसे ऊपर भी होने चाहिए ना। और वैसे पानी को भी मैं कौन सा परमानेंटली हटा रहा हूँ, पानी को हम लोग बस एक ब्लॉक आगे शिफ्ट कर रहे हैं। तो मेरे पास है जो लावा बकेट है, इससे मैं पानी यहाँ पर डालूंगा और वेट, मेरे को एक यही जगह मिली थी, इसकी टंग ऑब्सीडियन बन गया। चलो तो पानी मैं सब में कर दूंगा, बट उससे पहले हम लोग स्टोन ब्रिक्स लगा देते हैं हर जगह। लेट्स गो, फुल स्पीड में लगाना भाई, बहुत सारा काम है, सब कुछ निपटाना जल्दी से। स्टोन ब्रिक्स मैंने काफी पीछे तक लगा दिए, अब बारी है आयरन बार की, तो इसे भी फटाफट से लगाकर मैं कंप्लीट करता हूँ एंड चारों तरफ करना है मुझे एक काम। और सचमुच में काफी लंबा काम होने वाला है यार ये, पर कुछ भी हो जाए आज अपनी इस वर्ल्ड को मैं फुल ब्यूटीफुल बना के जाने वाला हूँ। स्टोन ब्रिक्स खत्म हो गए, नाइस। चलो स्टोन ब्रिक्स खत्म हो गए, जब तक पानी वाला काम कर लेते हैं। इस तरीके से पानी भरना काफी ज्यादा आसान रहता है, एक लोग आगे डालो, पीछे से उठाओ, फिर आगे डालो, फिर यहाँ से उठाओ और पूरा भर भी जाएगा अभी देखना। ओके गाइस, तो फ्रंट साइड कंप्लीट हो चुकी है एंड आप लोग फाइनल लुक देख सकते हो कि लीव्स कैसी लग रही है अपने इस कासल की वॉल के सामने। पूरी दूर दूर तक एकदम क्लीन वाली हरियाली हो रखी है। वैसे हाँ, यहाँ पर तो मैं आया नहीं था, मुझे यहाँ पर भी कंप्लीट करना है, तो इधर भी पानी डालना पड़ेगा। एंड ये जो चीज मैंने राइट साइड पे करी है, सेम टू सेम ये मुझे लेफ्ट साइड पे भी बनानी है और इस तरफ भी बनानी है, बट ये तो बहुत दूर तक है। चलो कोई नहीं, निपटा देंगे आज। और जिस जगह पे ज्यादा खड्डा हो गया पहले, तो मैं यहाँ पर ना ग्रास लगा दूं थोड़ी थोड़ी सी। और अब मुझे ना यहाँ पर भरना होगा पानी, तो वैसे तो मैं कहीं से भी भरना स्टार्ट कर सकता हूँ क्योंकि अब अपने पास हर जगह इनफाइनाइट वाटर है। चलो फिर फटाफट से पानी भरते हैं। और मैं बता क्या सोच रहा हूँ कि क्यों ना इस जगह पे भी आयरन बार लगा दिया जाए, अच्छा लगेगा या बुरा? आई थिंक ये ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा, तो इस वाले आयरन बार को ना हटा देते हैं, टॉप साइड पे बस ऐसी रास्ता छोड़ते हैं चलने का, ये सही लग रहा है। इसको हटा देता हूँ और ये पानी भी जो है अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है घासों को पानी जा रहा है। वैसे क्या है, अभी ना मैं एक मस्त चीज सोच रहा था कि आप लोग नोटिस कर रहे हो बस ना एकदम हरी हरी पत्तियां हैं, बट ये वाली जो लाइन है, इस वाली लाइन में पत्तियों के बीच बीच में एक अजेलिया वाले फ्लावर्स भी है, तो उसके लिए मुझे पता क्या करना है, मैं उसी के लिए ढेर सारा बोन मील लेकर आया था। यहाँ पर जो मॉस ब्लॉक है ना, मुझे इस पे ऐसे करना है और यहाँ पर ये ट्री उग जाएगा। इस ट्री में ये लीव्स है, मुझे ना ये इकट्ठी करनी है बस, तो यहाँ पर बहुत सारी है, सारी इकट्ठी कर लेता हूँ, कहीं ना कहीं तो लगानी है। तो जितनी भी अजेलिया फ्लारिंग्स है ना, ये मैं तोड़ लेता हूँ यहाँ से सारी के सारी, और अगर मैं और ट्री ग्रो करना चाहूँ तो वो भी उग जाएगा। वैसे एक पेड़ से कम 10-15 तो मिली, भाई सब 28 मेरे पे पहले भी थी क्या? हाँ 28 तो नहीं मिलेगी, थोड़ी बहुत मेरे पास पहले की भी रही होगी। हाँ तो मैं ये कह रहा था, ये जो मेरे को मिला है ना, इसको मैं ऐसे तोड़ तोड़ के ना बीच बीच में ऐसे कहीं पर लगा सकता हूँ कुछ इस टाइप से। तो अभी ना मैंने इसको अपने दूसरे एंड में ले लिया एंड मैं इसको ऐसे रेंडमली कहीं पर भी प्लेस कर रहा हूँ, क्योंकि फ्लावर्स से ही पूरा भर देंगे तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा, बीच बीच में एक होता है तो अच्छी सी वाइब रहती है। वेट, ये क्या कर दिया? चलो कोई नहीं, तो चलो फिर फटाफट से ना इसे हर तरफ लगाते हैं, अच्छा लगेगा ये। वैसे यार देखो, अभी भी ना मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्टोन ब्रिक्स लगाए हैं हर एक कॉर्नर पे, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना यही चीज इस वाले कॉर्नर पे भी करी जाए। मतलब ये बढ़िया लग रही है क्योंकि इसके बीच में जब आयरन बार ऐसे कनेक्ट हो रहे हैं ना, सचमुच में एक बिल्कुल पार्क वाली फील आ रही है यार सच में। ठीक है, फिर हर कॉर्नर में मैं यहाँ पर भी लगा देता हूँ और कनेक्ट करके देखते हैं कि क्या जैसे राइट साइड में लग रहे हैं उतने अच्छे लेफ्ट में लगेंगे। वैसे सीधी सी बात है, एकदम सिमिलर है तो बढ़िया ही लगने वाले हैं। और एक बार ही फ्रंट से मैं अपने कासल नहीं देख पाऊंगा क्योंकि बीच में ट्री आ रहा है, तो यहाँ से देखता हूँ। वैसे नहीं यार, कहीं से भी देख लो, फील्स तो है एक नेक्स्ट लेवल वाली। चलो अभी अपना पार्क थोड़ा बहुत, मुझे पार्क नहीं, अपना वर्ल्ड मुझे थोड़ा बहुत ब्यूटीफुल होता हुआ नजर आ रहा है। तो राइट साइड मैंने कर दी थी, अब बारी है लेफ्ट साइड की, यहाँ पर भी फटाफट से काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो फालतू की लीव्स है ये मुझे हटानी है। इस तरफ में पानी आना है तो यहाँ तो सारी की सारी ये हटेगी हटेगी, और ये भी हटेगी क्योंकि यहाँ पर स्टोन ब्रिक्स आने हैं, तो ग्रास नहीं रहने वाली इधर, तो दोनों ही साइड के मैं हटा देता हूँ पूरा। डन, फुल ग्रास मैंने इधर क्लियर कर दी है, स्टोन ब्रिक्स लगाने मुझे। तो यहाँ पर आने वाले हैं स्टोन ब्रिक्स कुछ इस टाइप से, और इसके साथ साथ में यहाँ पर आने वाला है पानी। ओ वेट, इसके अंदर, ओह नाइस, ये काफी सही है, मैं इसके अंदर भी पानी स्टोर कर सकता हूँ, बढ़िया लग रहा है। बट कोई नहीं, मैं इसे यहीं पर डालूंगा और इसके ऊपर मुझे लगाने हैं आयरन बार कुछ इस टाइप से, और सेम टू सेम यही चीज मुझे नीचे वाली रॉ में भी करनी है। तो एक काम करते हैं, पहले ना दोनों को क्लियर कर देता हूँ, उसके साथ एक साथ बनाऊंगा। ओके गाइस, तो आयरन बार को मैंने अपने वर्ल्ड में चारों तरफ लगा दिया है, जू से लेकर म्यूजियम, म्यूजियम से लेकर अम्यूजमेंट पार्क तक, हर तरफ मैंने इस आयरन बार को लगा
लगा दिया है और काफी ज्यादा बढ़िया फील आ रही है। मतलब सारा गांव एकदम मेंटेन सा लग रहा है, लेकिन अब जो मैं बनाने वाला हूँ ना उससे जो लुक है वो बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है। मतलब आप लोग कह रहे थे ना कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था सब कुछ फ्लैट फ्लैट सा है, तो अभी भी फ्लैट ही है, लेकिन अब मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ एक बहुत बड़ा लेक। एंड लेक का कंसेप्ट कुछ ऐसा है कि लेक ना इस तरफ होने वाला है और वही लेक ना इस तरफ भी होने वाला है। मतलब आधा इधर होगा आधा इधर होगा, बट वो कनेक्ट होगा कुछ इस तरीके से। और ये वाला जो रास्ता है ना ये फ्लैट ना होकर यहाँ पर बनेगा एक ब्रिज, वुडन ब्रिज। मतलब पूरा पानी एक ही लेक होगी। तो लेट्स गो, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए दोनों तरफ में थोड़ी बहुत खुदाई स्टार्ट कर देता हूँ। एंड गाइस शायद से मुझे ना यार बीकन लेकर आना होगा, क्योंकि इस तरीके से तो अपना पिकेक्स बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है। लेट्स गो, तो मैंने बीकन यहाँ पर लाकर बना लिया है। अब मैं जल्दी जल्दी सारे के सारे ब्लॉक्स तोड़ पाऊंगा, मतलब डबल स्पीड में मैं यहाँ पर खुदाई कर सकता हूँ और फिर मैं थोड़ी सी डीप लेक यहाँ पर बनाने वाला हूँ। ओके, आई थिंक मैं काफी सारे ब्लॉक तोड़ चुका हूँ, एक बार बाहर निकलकर देख लेता हूँ, पता चला कुछ ज्यादा ही चीजें टूट जाएं। फिलहाल अभी तो नहीं है, तो दोबारा से काम कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो कुछ इस डिजाइन की अपनी लेक होने वाली है। पहले मैंने सोचा कि ना बाहर से सिर्फ डिजाइन दे देते हैं, फिर उसके बाद अंदर के ब्लॉक्स मैं तोड़ूंगा। एंड आई थिंक इतना मेरे हिसाब से बहुत होगा, तो इसे फिनिश करते हैं यहीं पर। बाकी सारी ग्रास ब्लॉक्स मैं ऐसे हटा देता हूं। एंड लेक सचमुच में बहुत सही होने वाली है। तो ऊपर से पूरी फिनिश हो गई है, बस मुझे इसे नीचे के जो सारे ब्लॉक्स है ना इन्हें भी एकदम तमीज में हटाना है लेयर बाय लेयर। मतलब कुछ इस टाइप से, यहाँ पर थोड़ी सी ऊंची, फिर उसके बाद थोड़ी सी डाउन, फिर यहाँ पर और डीप, और सेंटर में तो कुछ ज्यादा ही डीप मैं से करूंगा। ओके, तो एक साइड का डिग मैंने फुल रेडी कर दिया अपनी लेक के लिए। अब जैसा कि मैंने बताया था हम लोग दूसरी साइड भी लेक बनाएंगे और दोनों को आपस में कनेक्ट करेंगे, तो उसके लिए ना मुझे यहाँ के कुछ ब्लॉक्स को हटाना पड़ेगा और यहाँ पर भी इस तरीके से मैं ब्लॉक्स को ना तोड़ने वाला हूँ। तो चलो भाई फिर ठीक है, फटाफट से पहले सारा का सारा रास्ता यहाँ का क्लियर कर देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से ये जो लेक है इसका पानी ऐसे इस वाली लेक से उस वाली लेक में जाएगा। एंड ये भी उतना ही डीप होने वाला है जितना इधर था, तो इसको भी एकदम बराबर लेवल पे चल के सारे के सारे ब्लॉक्स तोड़ते हैं। ओह वेट, दोबारा से रात हो गई, कोई नहीं, बेड है अपने पास, जल्दी से ना पहले दिन करते हैं, अंधेरे में काम करने में मजा नहीं आता। गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट डे हो चुका है और क्या मस्त जगह पर मैंने अपने बेड लगाया था, देख रहे हो। एक तो यार अपनी इन्वेंट्री ना बहुत ज्यादा बुरी तरह भर चुकी है। यप, जैसा कि मैंने कहा था यहाँ पर ब्रिज बनने वाला है, तो इधर से पूरा पानी जाएगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक का ब्रिज बनेगा। अभी इधर की मेरे को लेक बनानी है, ये भी काफी ज्यादा बड़ा एरिया है, यानी यहाँ पर भी काफी बड़ी लेक बनने वाली है। तो ठीक है, सारी की सारी डर्ट यहाँ के भी हटाते हैं। ओके गाइस, तो अभी फिलहाल मैंने दोनों साइड की लेक एकदम बढ़िया तरीके से रेडी कर ली है और बस मुझे ना एक बार इसका टॉप व्यू लेना है कि आखिरकार ये दिख कैसी रही है। 3, 2, 1, लेट्स गो। अभी आपको भी सचमुच में बहुत ज्यादा घटिया दिख रही होगी, क्योंकि मुझे भी इतनी ज्यादा मस्त नहीं लग रही है। वैसे सीधी सी बात है, अभी एक टाइप से ये ड्राई लेक है, इसके अंदर जब मैं भी सैंड क्ले सी ग्रास पानी वानी लाकर भरूंगा और एक्चुअल जब इसे लेक वाली फील देंगे तब अच्छी लगने वाली है। और ये सब लेने के लिए मुझे भी इस टाइम पर ना निकलना होगा किसी ओशन के पास, क्योंकि क्ले वगैरह ना सब कुछ वहीं से मिल तो यहाँ से भी जाएगा, बट वही बात हो जाएगी इधर की लुक अच्छी करने के लिए मैं इधर की लुक नहीं खराब करने वाला, थोड़ा दूर से लेकर आते हैं जहाँ पर मेरा आना जाना कम है। ओके, तो अभी फिलहाल मैं अपने कासल से थोड़ा बहुत दूर आ चुका हूँ और मुझे सैंड क्ले एंड ग्रेवल यही तीन चीजें चाहिए और थोड़ा बहुत केल्प ले लूंगा, मतलब एक लेक में जो जो चीजें होती हैं वो सब मुझे चाहिए होगी। तो स्टार्ट करते हैं सैंड इकट्ठा करने से। मेरे पास मेरा शल्कर बॉक्स मैं भूल आया और अभी मुझे फालतू की चीजें फेंकनी पड़ेगी वरना मैं कुछ इकट्ठा नहीं कर पाऊंगा। मेरे पास इस टाइम पर ये डर्ट फालतू पड़ा है, वुड फालतू है, बोन मिल काम का है, स्टोन ब्रिक्स फालतू तो है, बट हाँ यार उनको मेरा ना फेंकने का भी मन नहीं कर रहा है, तो जो जो फालतू की चीजें हैं जिसके बिना काम चल जाएगा वो सब मैं फेंक रहा हूँ। डन, तो भी अपनी इन्वेंट्री में काफी अच्छा खासा स्लॉट बन चुका है, तो मुझे यहाँ से ढेर सारी पहले तो सैंड इकट्ठी करनी है और अपनी शवल। भाई साहब सुपर फास्ट है, 5 मिनट में कितने स्टैक हो गए? अच्छा 5 मिनट तो पहली बात हुई नहीं, अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ है और मेरे पास शायद से 2 स्टैक तो इकट्ठा हो गया होगा, काफी सारी ना कलेक्ट नहीं हुई है पीछे पड़े हुए, अब चेक करते हैं। यप, अबे नहीं, 3 स्टैक, 3 से ज्यादा, नाइस। तो इतना सैंड मेरे हिसाब से बहुत है और अभी मुझे ना क्ले चाहिए, वैसे क्ले पीछे बहुत सारा है, यहाँ पर नीचे ग्रेवल है बट पानी के अंदर जाकर बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसलिए मैं क्या करने वाला हूँ ना यहाँ पर पहले तो एक ब्लॉक लगा दूंगा ताकि मैं ऊपर खड़े खड़े ये सारा ना फुल स्पीड में तोड़ लूं। इनका है इस अपनी शवल पे ना सिल्क टच नहीं लगा है, तो मुझे ना बाद में से क्ले को ब्लॉक में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। ओ नाइस नाइस, यहाँ पर काफी सारा क्ले है, सारा ले लेते हैं। और यही प्रॉब्लम होती है बाहर खड़े होकर डिग करना और यहाँ पर आकर इन सबको तोड़ने में, भाई बहुत स्पीड का अंतर है। मतलब ये देखो, अगर मैं इस पे ऐसे तोड़ूंगा तो कितना सारा टाइम जाएगा, बट इसके ऊपर खड़े होके ये देखो फुल स्पीड में सारा काम होता है, नाइस। तो अभी एक काम करता हूँ, पहले तो ना जितने भी ये मेरे को क्ले मिले हैं ना इसे मेरे को क्ले ब्लॉक बनाना है, तो क्राफ्टिंग टेबल बना लेते हैं। ओ वेट, क्ले तो हम लोग बिना उसके
के भी बना सकते थे। ऑलराइट, तो अभी फिलहाल मैंने यहाँ से ढेर सारी क्ले इकट्ठी कर ली है, ढेर सारी मैंने डर्ट भी इकट्ठी कर ली है। एंड अभी इन सभी क्ले से मैं क्ले ब्लॉक बना लेता हूँ, मतलब क्ले बना लेता हूँ। ये क्ले बॉल है, ये बन गई क्ले, और मेरे पास 3 स्टैक क्ले हो चुका है। मेरे को बस अब थोड़ा सा ग्रेवल चाहिए। एंड ये लिली पैड भी लेकर चलते हैं यार, मैं भी जो लेक बनाऊंगा उसके ऊपर कुछ इसी टाइप से रख दूंगा। एंड मेरा प्लान तो ये है कि मैं अपनी लेक के अंदर ना फ्रॉक्स को भी लेकर आऊंगा। वैसे पीछे वाली बायोम में है तो ज्यादा टाइम भी नहीं जाएगा। ग्रेवल ओके, सामने मेरे को मिल चुकी है, कलेक्ट करते हैं जल्दी से। मछली चल भाई, इसमें एक मछली तो चलो भाई अभी आ गई, इसको लगे हाथ ले जाएंगे। एंड ये रहा ग्रेवल, तो सारा का सारा यहाँ से इकट्ठा कर लेता हूँ, बहुत सारा है वैसे तो। आई थिंक एक स्टैक से ज्यादा ही है यार। लेट्स गो, तो मैं वापस आ चुका हूँ अपने कासल पे। एंड अभी मुझे फटाफट से इन दोनों लेक को पूरा कंप्लीट करना है, तो स्टार्ट करते हैं। अपने तीनों ब्लॉक्स को मैं रख लेता हूँ यहाँ पर, इन तीनों के मिक्सचर से मुझे इसे पूरा कंप्लीट करना है। तो बॉर्डर साइड पे ना मैं सोच रहा हूँ कि सैंड रखें, और बीच वाली जो साइड रहेगी, रुक जाओ पहले तो बॉर्डर कंप्लीट कर देते हैं। हाँ, तो बॉर्डर साइड पे सैंड होगी, और जो बीच वाली थोड़ी सी साइड है यहाँ पर मैं लगाऊंगा क्ले, और एकदम बॉटम में तीनों का मिक्स होने वाला है, कहीं के ग्रास और फिर होगी ऐसे कुछ इस टाइप से ग्रेवल होने वाली है। इसके पीछे मैं थोड़ा ट्राई करूंगा ऐसे क्ले रखूं, जैसे कि नॉर्मल ओशन वाली थीम होती है। यहाँ पर भी क्ले कर देते हैं, और वेट, ये मैं थोड़ा सा ऊपर आ रहा हूँ यार। नहीं मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इसको मैं ऐसे हटा सकता हूँ। अगर मैं इन ब्लॉक को तोड़ दूं इस टाइप से, और यहाँ पर अगर मैं क्ले को रख के ऐसे पानी डालूं तो अच्छी फील आएगी। तो ठीक है, फिर इसे पूरा रैंडमली मैं कहीं पर भी लगाते जाता हूँ, और इसे पूरा कंप्लीट करते हैं इन 3 टाइप के ब्लॉक से अच्छे से। ओके, तो अभी फिलहाल लेक का एक बेसिक डिजाइन मैंने कंप्लीट कर दिया है। एक बारी मैं आपको ना ऊपर चल के दिखाता हूँ, और इस टाइम पर ना ये लेक मुझे उतनी ज्यादा सही नहीं लग रही है, शायद इसलिए क्योंकि यहाँ पर अभी पानी नहीं भरा है। तो शायद जब मैं यहाँ पर पानी भर दूँ, नीचे सी ग्रास लगा दूँ, और थोड़े बहुत मॉसी ब्लॉक्स लगा दूँ, तो ये शायद से बहुत ज्यादा ही अच्छा लगे। तो पहले पूरा कंप्लीट करते हैं, उसके बाद ही मैं बताऊंगा ये अच्छा है या फिर बुरा। फिलहाल अभी एक साइड ही कंप्लीट हुई है, सेम टू सेम मुझे ना इसे दूसरी साइड पे भी ले जाके लगाना होगा। बट अभी ना मेरे पास जितना भी मैं क्ले वगैरह लेकर आया था ना, वो सारा खत्म हो चुका है एक साइड पे। मुझे लग रहा था कि मैं एक्स्ट्रा ले आया, बट अभी समझ आ रहा है कि भाई मैं तो आधा भी नहीं लाया हूं। ठीक है, तो सबसे पहले जो फ्लोर है इसे ग्रेवल से भरते हैं। एंड जो बॉर्डर्स है यहाँ पर हमेशा की तरह सैंड एंड ग्रेवल दोनों आएगी। वैसे मेरे पास ना सैंड बची है, बट पता नहीं मैं क्यों क्ले ज्यादा यूज कर रहा हूँ यार। ऑलराइट गाइस, तो भी फिलहाल मैंने दूसरी साइड की लेक को भी पूरा कंप्लीट कर दिया है। एंड एक बारी ना मैं इसकी ओवरऑल लुक दिखा देता हूँ आप लोग को कि आखिरकार ये दिख कैसी रही है। ये देखो, कुछ ऐसी सी फील आ रही है जैसे कि कोई ये ह्यूमन बॉडी पार्ट हो, बट हाँ जो भी है, अभी मुझे इसके अंदर पानी लाकर भरना है, उसके बाद ये एक लेक जैसी दिखेगी। और पानी भरने के लिए ना मैं ऐसे मतलब एक एक वाटर बकेट तो बैठकर यहाँ पर डालूंगा नहीं, वरना बहुत ज्यादा टाइम जाएगा पूरा लेक को भरने में। मैं क्या करूंगा, मैं जा रहा हूँ सीधा इस टाइम पर आइस बायोम, वहां से ना आइस लेकर आते हैं, और आइस को मैं पिघला दूंगा लगाने के बाद, तो तुरंत पानी भर जाएगा सारा। बट जाने से पहले ना एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि मुझे करनी है वो है कि सिल्क टच की मेरे को यहाँ से बुक लेनी है, क्योंकि मुझे ना आइस को तोड़ के लाना है। और तोड़ के लाने के लिए सीधी सी बात है, मेरे पास पिकैक्स में सिल्क टच लगा होना जरूरी है, और वेट, मैंने इसके अंदर फॉर्च्यून लगा रखा है, तो मैं सिल्क टच नहीं लगा पाऊंगा। वैसे से कोई टेंशन वाली बात भी नहीं, मेरे पास एक डायमंड का भी पिकैक्स है, बट इसके अंदर एफिशिएंसी 2 लगा है ना। ओके, एफिशिएंसी 2 है, बट कोई नहीं, इसके अंदर पहले सिल्क टच लगा लेता हूं मैं। आई थिंक मेरे पास एफिशिएंसी 5 की भी बुक होनी तो चाहिए, एक बार चेक कर लेता हूं एफिशिएंसी। अरे छी यार, क्या किस्मत है, एफिशिएंसी नहीं है मेरे पास। वेट, मेरे को इनसे भी ट्रेडिंग करनी होगी। ओके, तो ये भाई साहब जी मेरे को एफिशिएंसी 4 दे रहे हैं, बट इससे पहले ना मैं इनसे एमरल्ड ट्रेड कर लेता हूं, और मुझे ना इसे एक बुक लाकर देनी होगी पहले तो, और थोड़े बहुत पेपर भी ले लेता हूं। यार क्या ही दिन आगे, ट्रेडिंग करनी पड़ रही है। अरे अरे क्या हो गया भाई, क्या हो गया, इसको ऊपर करो, भैंस की मार कैसे रहे, पीछे हो। वाह, विलेजर चला गया और ज़ॉम्बी आ गया उसकी जगह लेने। आजा तू ऊपर आ जा, तेरे से ट्रेडिंग करूंगा मैं। निकल निकल, ओए नहीं इसको मारना नहीं है, एक सेकंड इसको मारना नहीं था, मरियो मत मेरे भाई, कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा। हाँ, तो मैं इससे ट्रेडिंग कर रहा था, एफिशिएंसी 5 मेरे को मिल गई है। वैसे मिली तो 4 है, बट मेरे को चाहिए 5, तो मैं यहाँ पर एक बुक रख के 2 ले लेता हूँ, इससे बन जाएगी 5 वाली। डन, तो अभी दोनों को रखता हूँ, ये बनी 5, इसको रखते हैं यहाँ पर, और ये बन गई अपने पास एफिशिएंसी 5 की सिल्क टच वाली पिकैक्स। बाकी यार इतने सारे पेपर्स लेकर मैं कहाँ जा रहा हूँ, इन पेपर्स को रखवा देते हैं यहाँ पे। लेट्स गो, तो अभी फटाफट से हम लोग निकलते हैं सीधा आइस बायोम के लिए, जो कि यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, बट हाँ थोड़ी दूर तो है ही। वैसे जाते जाते ना गाइस, मेरे पास एक चैलेंज है कि क्या मैं इलाइट्रा से उड़ते उड़ते पानी इकट्ठा कर सकता हूँ। मतलब मेरे को जमीन पे लैंड नहीं होना है, और पानी भी अपनी बकेट में भर लेना है। कोई नहीं, यहाँ पर थोड़ा खाली एरिया यहाँ पर ट्राई करते। वैसे ईजी चैलेंज है, मुझे बिल्कुल जरा सा नीचे जाना है और वेट भरना ऊपर। नाइस, कुछ ज्यादा इजी था ये तो। ऑलराइट, तो ये मैं पहुंच चुका हूँ आइस बायोम में। यहाँ से मुझे ढेर सारी आइस इकट्ठी करनी है अपनी इस डायमंड वाली पिकैक्स से। लेट्स गो, जल्दी से यहाँ पर लैंड होते हैं और फटाफट से ढेर सारी मैं तोड़ लेता हूँ। इसीलिए मैंने इसके अंदर सिल्क टच और एफिशिएंसी लगाई थी, ताकि जल्दी जल्दी टूट जाए, मेरे पे ज्यादा टाइम नहीं है। वहां पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगाकर मैंने सोचा इधर कितना सारा टाइम बचा लिया अपना। बाकी हाँ टाइम तो बच रहा है, पर जब मैं जो तोड़ रहा हूँ ना अभी, इसमें से मेरे पास कुछ भी कलेक्ट नहीं हुआ है, सिर्फ 7 आइस, और मैं कम से कम 3-4 स्टैक तोड़ चुका हूँ भाई। नीचे तो मत जाओ यार।
यार वेट भाई, अभी तो सारी खो जाती, मेरे को ढूंढ ढूंढ के कलेक्ट करनी पड़ेगी। एक इधर है, एक इधर, आगे पूरे रस्ते में फैला दी मैंने। वैसे एक मस्त चीज़ है, पहले ये नीचे जाती हैं, फिर उसके बाद थोड़ी देर में यही तैर के वापस ऊपर आई जाती हैं। हाँ ठीक है, अभी दोबारा से इधर मेरे को तोड़ना स्टार्ट करना है, बट उससे पहले ऊपर चढ़ जाता हूँ। अगर इस तरीके से तोड़ते हुए जाऊंगा तभी सारी कलेक्ट होगी, वरना मेरे हिसाब से तो सारी की सारी बस नीचे ही जाने वाली है पानी में। और वेट, मेरे ऐसे तोड़ने के बाद भी वो नीचे जा रही है। इधर आओ भाई। वैसे कितनी होगी, अरे भैंस की टांग, 3 स्टैक होगी क्या? 1, 2, 3, हाँ ऑलमोस्ट 3 स्टैक। बट एक काम करते, थोड़ी सी और ले लेते हैं, मुझे आइडिया नहीं कितनी चाहिए। चलो बहुत है यार, मेरे हिसाब से ना मैंने काफी सारी इकट्ठी कर लिया और अभी मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। कलेक्ट हुई है ना? अबे यार डन, तो मैंने उसे नीचे आके कलेक्ट कर लिया। फटाफट से अपना रॉकेट उड़ाते हैं और निकलते हैं हम लोग यहाँ से वापस, लेट्स गो। तो ये मैं वापस आ चुका हूँ और अब मुझे यहाँ से काम स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया था, मुझको पूरी लेक को भरना है, तो जो एरिया से हवा वाला है ना मेनली उसमें दिक्कत आती है, बाकी जैसे ये सब है ना ये आसानी से हो जाएगा। तो मुझे बस यहाँ पर कुछ इस तरीके से आइस को रखना है और जब ये टूटेंगे ना, देखो जैसे मैं इसे तोड़ूंगा तो ये अपने आप ही सारा पानी बन जाएगा, बट मुझे हाथ से मैन्युअली तोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर सीधा टॉर्च ला के रखूंगा और ये अपने, वैसे टॉर्च भी लाकर क्यों रखनी यार, मेरे पास तो ये मस्त पिकैक्स है ना, मैं ये भी तो मार सकता हूँ। तो ठीक है, पहले पूरा ना इसे बना ही देते हैं, उसके बाद पिकैक्स से तोड़ लेंगे। फिलहाल अभी इसे पूरा कवर करते हैं, लेट्स गो गाइस। तो फाइनली मैंने दोनों लेक के ऊपर कुछ इस तरीके से आइस को लगा दिया है और इसको पिघलाने के लिए मैं ढेर सारी टॉर्च बनाकर ले आया हूँ। तो अब बस मुझे ना टॉर्च को ऐसे रेंडमली यहाँ पर रखना है, मतलब ये शायद से ना अपने ब्लॉक का और अगल बगल के ब्लॉक का शायद से पिघला देती है, मैंने कभी ये चीज़ करी नहीं है बट मुझे इसके बारे में पता है। एक बार ट्राई करके देख लेता हूँ। ये देखो यहाँ का पानी पिघलना शुरू हो गया और टॉर्च अपने आप टूट के नीचे जा चुके, ये देखो। तो ये कुछ इस टाइप से काम करेगा, मैं इसे लगा देता हूँ हर जगह, जहाँ पर नहीं पिघलेगी मैं दोबारा आके प्लेस कर दूंगा। फटाफट से लगाते हैं, अपने पास बहुत सारी टॉर्च है, टॉर्च की कमी नहीं है। ये थोड़ी देर में ना गाइस पूरी की पूरी लेक बन जाएगी। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों ना मैं इसे इस तरीके से पिकैक्स से तोड़ दूँ। इस केस में क्या होगा ना, यहाँ पर तो पानी बनेगा बट इस एरिया में नहीं बनेगा। देखो मैंने तोड़ा, यहाँ पर ये पानी नहीं बनेगा, इधर देखो खाली हो गया ना। अब यहाँ पर मुझे मैन्युअली पानी डालना पड़ेगा क्योंकि अब उधर आइस भी नहीं बची है। अब फटाफट से हर जगह मैं टॉर्च लगा देता हूँ, कहीं का भी एरिया नहीं बचना चाहिए। हर जगह, हर गली गली पानी पहुंचेगा भाई। ओके, तो हर तरफ मैंने टॉर्च लगा दी है और शायद से इतनी टॉर्च में अपना काम हो जाना चाहिए। वेट, अभी तो इधर की लेक ही नहीं हुई है, मतलब मस्त लग रही है, ऐसी ऐसी अच्छी लग रही है मेरे को। अबे यार पता नहीं कितनी देर में पिघलेगी। वैसे ठीक है, बाकी टॉर्च भी टूट टूट रही है, जो वो वापस आके कलेक्ट हो रही है। यहाँ पर भी आ गई है तो इसे वापस यहीं लगा देता हूँ। यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, जल्दी पिघलो यार, इतना ज्यादा टाइम नहीं है, अभी मेरे को इसे सजाना है, यहाँ पर ब्रिज भी बनाना है एक प्यारा सा। चलो ठीक है, अभी काफी हद तक यहाँ पर पानी जो है बन चुका है, मतलब बहुत सारी आइस यहाँ पर पिघल चुके हैं, पर पता नहीं कुछ आइस ढीट है। एक तो ये बायोम भी गर्मी वाले, यहाँ तो बिना टॉर्च के हो जाना चाहिए काम, पर कोई नहीं, शायद से ये माइनक्राफ्ट का कुछ नेचुरल तरीका है जिससे हो रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है। टॉर्च भर भर के लगा रहा हूँ फिर भी इतना टाइम लग रहा है यार। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। वैसे अपना जो लेक है ना वो ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है, एक बार ऊपर चलकर देखते हैं। और अभी इसकी लुक भाई सचमुच में बहुत ही ज्यादा मस्त हो गई है। मैं तो सोच रहा हूँ जो बीच बीच में आइस बची है ना इसको भी रहने ही देते हैं। वैसे नहीं नहीं नहीं, हट जाएगी तो ही ठीक है, तो एक अलग फील है। बट यार इसमें ना एक कमी है, ये लेक ऐसा लग रहा है कि जैसे ना पानी बहुत ज्यादा ही भर गया और बाहर निकलने वाला है, तो मेरे को शायद से इतना भी ज्यादा ऊपर तक इसमें पानी नहीं डालना चाहिए था। बट कोई नहीं, अभी बन गई है। इसमें बाद में स्पॉन्ज ला के मैं इसे थोड़ा बहुत ड्राई कर दूंगा ना बीच बीच में, तो अपने आप ही थोड़ा बहुत पानी नीचे चले जाएगा। मतलब साइड में ठीक है बट बीच में भी इतना पानी भरा हुआ बहुत अजीब लग रहा है। लेट्स गो गाइस, तो लेक पूरा कंप्लीट हो चुका है, सारे के सारे जो आइस है वो ड्राई हो गई है और अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ी बहुत सी ग्रास इकट्ठी करने के लिए। यहाँ पर बहुत सारी है, तो फटाफट मेरे पास ये जो शीयर्स है इसके थ्रू मैं सारी की सारी ना अपने साथ लेकर चलता हूँ। एंड शायद से ना मैं इसको उगा भी सकता हूँ अगर ऐसे डर्ट पे बोन मिल। ओ नाइस, मैं इसे इकट्ठा क्यों करने आया हूँ? छी यार सचमुच में मेरे को ना इसके बारे में पता था बट देर से याद आया। मतलब मैं सच में पहले इकट्ठा करने गया, फिर मैंने सोचा यार ये तो उग भी सकती है बोन मिल से। वैसे यहाँ डर्ट पे ही उगेगी शायद, और अच्छा पानी में कहीं पर भी, नाइस। छी यार ये कुछ ज्यादा ही क्वांटिटी में उग रही है, ऐसे लग रहा है पता नहीं क्या ही हो गया हो। कोई नहीं, उगा देता हूँ, उसके बाद मैं ऐसे रेंडमली हटा भी दूंगा इसे। तो वो वाली साइड तो मैंने कर दिया, फटाफट से इस वाली साइड पे भी हम लोग इसे पूरा अच्छे से उगा डालते हैं। ऑल डन। तो अभी अपनी लेक के नीचे भी एकदम मस्त ग्रास लग चुकी है और अब सच में ये लेक एक अच्छी लग रही है। मुझे ना कुछ इसी टाइप से अपने पूरे के पूरे वर्ल्ड को ना भर देना है हर तरफ से। अब जैसा कि मैंने बताया था ना यहाँ पर मेरा प्लान है एक ब्रिज बनाने का, तो फटाफट से वो ब्रिज बनाते हैं। उसके लिए मेरे को वुड चाहिए जो कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी पड़ी है। बट वेट, ब्रिज बनाने से पहले मेरा एक प्लान और है, और उस प्लान को पूरा करने के लिए ना मुझे यहाँ पर अजेलिया की सैपलिंग्स चाहिए होंगी। सैपलिंग नहीं, वेट, जो चाहिए तो मैंने फेंक दिया है, तो मेरे को एक नया ग्रो करना होगा पहले। तो इस पेड़ को मैंने यहाँ से हटा दिया है, यहाँ पर जो मॉस है ना इससे उगेगा वो पूरा। तो ये मैंने मारा, ये आ गया। तो ये जो ट्री है ना, इसी ट्री को अगर जब मैं तोड़ूंगा तो मेरे को इसमें से मिल जाएगा। वेट यार, एक तो रात हो गई है, पहले ना मैं यहाँ पर सो जाता हूँ। गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट डे हो चुका है और अभी जो चीज मेरे को चाहिए ना उसके लिए मेरे को दोबारा से यहाँ पर ये चीज मेरे को चाहिए थी। इसे कहते हैं गैंग्स, जैसे फ्लारिंग अजेलियास, ऐसे कुछ नाम होता है इसका।
अरे यही कहते हैं फ्लारिंग अजेलिया से कहते हैं, मैं इतनी देर से खाली पीली डाउट में हूँ। हाँ तो इन फ्लारिंग अजेलिया को ना मुझे इन कॉर्नर्स में रखना है, और नॉर्मल वाली भी चाहिए वैसे तो बस कुछ नहीं करना मेरे को, ऐसे ना मॉस पे बोन मिल मारना है और ये सारी इकट्ठी करनी है मेरे को। तो ठीक है फिर जितनी आ रही है सारी इकट्ठी कर लेता हूँ पहले तो मैं यहाँ से, ताकि मैं एक ही बार में ना बहुत सारे ट्रीज उगा पाऊँ। मतलब अभी ये जो मैं कर रहा हूँ ना ये मेनली मैं ट्रीज उगाने के लिए कर रहा हूँ। और वेट यार यहाँ पर इतनी सारी, एक तो घास उगने लग गई, मुझे फ्लारिंग अजेलिया चाहिए और मुझे उसके अलावा सब कुछ मिल रहा है भाई। मिल जाए यार, एक ये मिली है, चलो ठीक है पहले जितनी मिली है ना इतनी लगा दे। तो मैं जितनी भी बाउंड्रीज है ना उसको मैं जैसे एक यहाँ लगाऊंगा, एक थोड़े से गैप में लगाऊंगा, और एक इस तरफ लगाऊंगा, एक यहाँ पे लगाऊंगा, एक यहाँ लगाऊंगा, फिर एक इधर, मतलब हर तरफ ट्रीज ही ट्रीज पूरे भर के होने वाले। अभी से उगाता हूँ। और वेट वे बहुत तेज ग्रो होते हैं यार ये देखो, बस एक बोन मिल में पूरा पेड़ वार, इधर भी सेम ऐसे, और जब इस तरीके से हर तरफ पेड़ होंगे तो ये बहुत सही लगने वाला है। एंड मैं क्या करूंगा ना कि जो मॉस है ना इसको भी पूरा पूरा फैला दूंगा हर तरफ, तो मॉस को भी पूरा फैलाते हुए चलते हैं ताकि लुक और अच्छी होती जाए ग्रीनरी के साथ साथ। और भाई साहब यहाँ पर तो डबल ट्री हो गए, इधर एक और अजेलिया आया था मैंने उसे भी ग्रो कर दिया। ओह इस बार तो भाई साहब चार चार, नाइस। तो यहाँ पर भी उगाते हैं इसे, यार सच में ये करने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, इजीली पेड़ भी उग जा रहा है और ग्रीनरी भी एकदम मस्त बढ़ते जा रही है भाई साहब, नाइस। तो अभी जितने ट्रीज मैं उगाना चाहता था वो बहुत अच्छे से उग चुके हैं, एंड अपना जो लेक है वो बहुत बढ़िया तरीके से कवर हो गया। ये यार ये वाला ट्री मेरे को ना तोड़ना चाहिए, ये सच में बड़ा अजीब थोड़ा मरीज सा लग रहा है यार। अट भाई गंदा दिख रहा है तू, इस ट्री को ना पूरा का पूरा हटा देता हूँ पहले तो मैं यहाँ से। तीन और बचे हैं, ये भी हटाता हूँ, लेट्स गो। हाँ तो मुझे यहाँ पर उगाना है एक नया ट्री, एक नहीं बहुत सारे नए ट्री उगाने हैं इधर भी। तो इस पे बोन मिल, इस पे बोन मिल, इस पे बोन मिल, इस पे, अरे ओके भाई क्या दिक्कत आ गई, लेट्स गो। यहाँ पर भी बहुत सारे हो गए ट्री, कहीं पर कुछ कमी नहीं रहने वाली भाई ट्री को लेकर। तो अभी डन, तो अभी अपना जो लेक है वो और भी मस्त दिखने वाला है, क्योंकि हर तरफ ट्री है भाई, हर तरफ एक से एक ट्री चिपक रहे हैं इस टाइम पर। बट हाँ यार शायद से मुझे ना एक बार ही नेदर जाना पड़ सकता है, क्योंकि मेरे पास बोन मिल खत्म हो रहा है। एक दो तीन चार पाँच छ सात, अब सीधा सात पेड़ उगने वाले हैं। ये हो गया अपना, उग जा भाई, अरे कुछ ज्यादा बोन मिल खा गए तो ये वाला पक्का एक में उगेगा। 3 2 1 उग जा, नाइस। वैसे अब मुझे ना यहाँ पर थोड़े बहुत मॉस मल्टीप्लाई करने हैं, क्योंकि ग्रास से ज्यादा अच्छे लगते हैं, मतलब थोड़े वैरायटी वाले ग्रीन है। ऑल डन, तो लेक के अराउंड बहुत ज्यादा बढ़िया वाली ग्रीनरी हो गई है जैसे मेरे को चाहिए थी। ये देखो अभी, ओ वेट यहाँ पर बहुत सारे हैं पर एक भी ट्री नहीं है, तो ये जगह एकदम अलग सी एम्प्टी सी लग रही थी। तो यहाँ पर भी मैं एक ट्री, एक नहीं और भी ट्रीज उगा देते हैं इधर, मेरे पास एक और है तो यहाँ पर एक और उगाओ भाई, कमी नहीं होनी चाहिए पेड़ की। यह बहुत सही तरीके से भाई हमने इस लेक को बना दिया है, अब बहुत सही लगने वाला अपना वर्ल्ड। एक बार ऊपर से चल के देखता हूँ कैसी लुक आ रही है, शायद से हो सकता है ये ज्यादा हो गए हो पेड़, और सचमुच में ये थोड़े ज्यादा ही हो गए हैं यार, इसको मेरे को तोड़ना पड़ेगा यार। नीचे से तो बहुत अच्छे लग रहे हैं बट ऊपर से ऐसा लग रहा है भाई पता नहीं क्या ही हो गया वजह से। छी यार ये तो मैंने लुक उल्टा खराब कर दी, बट नहीं यार जितने बुरे ये ऊपर से दिख रहे हैं ना ये उतने ही ज्यादा बढ़िया भी लग रहे हैं नीचे से। तो अजेलिया वाले फ्लावर्स ना बहुत ज्यादा फैल के उगते हैं, तो मुझे तमीज में उगाना चाहिए था। जैसे इसको देखो भाई कहाँ आ रहा है बार। वेल तो अभी फिलहाल मैंने लेक तो पूरी कंप्लीट कर दी है, और साथ ही मैंने इस ट्री में कुछ चेंजेस करे हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे। मैंने हर तरफ मॉसी स्टोन, ब्रिक्स स्टेयर्स, मॉसी कॉबल स्टोन्स, और बीच में ऐसे पानी डाल दिया है जो कि एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया फील दे रहा है। और सबसे मस्त चीज मैंने यहाँ पर ब्लॉसम ला के लगाया लश केव से, जिसकी वजह से आप लोग देख पा रहे हो हर तरफ ना ऐसे ग्रीन ग्रीन पार्टिकल्स उड़ रहे हैं, और भी ज्यादा नेचुरल वाइब आ रही है जिससे। बाकी यहाँ लेक में कुछ खास अपडेट नहीं है, ट्रीज उगाए हैं राइट वाली लेक में भी ऐसे ट्रीज उगाए हैं। बट अब मैं बनाने वाला हूँ यहाँ पर एक बहुत मस्त ब्रिज, क्योंकि अगर अभी उस पार जाना है तो या तो मैं ऐसे लिली पैड लगा लूँ, लेकिन वो एक बेकार चीज़ है, मेरे को प्रॉपर एक वुडन ब्रिज बनाना है। और उसको बनाने के लिए जो जो सामान चाहिए था वो मैं सारा का सारा लेकर आ चुका हूँ, और रात भी होगी बारिश भी होगी, एक बार ना सोने चलते हैं बड़ा बड़ से। वैसे कहीं जाना नहीं है, मेरा बेड यहाँ पर नहीं लगाऊंगा अभी मेरे को बेड, एक काम करता हूँ यहाँ लगाते हैं पत्तियों के ऊपर, पेड़ के नीचे सोएंगे। गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट डे हो चुका है, बेड तोड़ो, बारिश प्लीज बंद हो जा, नाइस। चलो अब चलते हैं काम पे। तो देखो मेरा प्लान बस कुछ ऐसा है कि जो ब्रिज है ना उसकी हाइट इतनी होनी चाहिए कि नीचे से ना एक बोट निकल जाए, और क्लाइंब भी हमें ज्यादा ना करना पड़े, मतलब ब्रिज ज्यादा ऊंचा भी ना हो, ब्रिज अपना प्रॉपर वुड का होने वाला है। तो सबसे पहले ना वुड ब्रिज बनाने के लिए ना एक पिलर होना जरूरी है कुछ इस टाइप का, तो दोनों साइड पे ना एक पिलर बनाते हैं, और ब्रिज ना ही ज्यादा चौड़ा होगा ना ही ज्यादा पतला। हाँ तो जितना गैप वहां पर है उतना ही गैप यहाँ पर होना चाहिए। तो इधर भी फटाफट से मैं यहाँ पर लॉग लगाता हूँ, और सामने चल के भी लॉग लगाते हैं, और ये ना पूरा जमीन तक मेरे को लगाने, वैसे दिखेंगे तो नहीं बट फिर भी पूरे जमीन तक रहेंगे तो एक अच्छी फील आएगी। तो ऐसे यहाँ पर लगा देता हूँ, सेम टू सेम मुझे इसे इस साइड पे भी करना है कुछ इस टाइप से। और अभी इन सभी लॉक को मैं स्ट्रिप करने वाला हूँ कुछ ऐसे, अब मतलब प्रॉपर ये लग रहा है कि यहाँ भाई एक लकड़ी काट के लाके लगाई गई है ब्रिज बनाने के लिए। डन, तो अभी ये जो दूसरी वाली साइड है मुझे यहाँ पर कुछ इस तरीके से सैंड को हटाना है, और यहाँ पर भी इन वुडन लॉक्स को लगाना है एक ब्लॉक ऊपर, और फटाफट से इसको भी स्ट्रिप कर देता हूँ मैं। 1 2 इस साइड पे 3, चलो 1 2 3 4 डन,
इसको भी शिफ्ट करते हैं फटाफट से, और अभी कुछ इस टाइप की लुक आ रही है ब्रिज के बेस की। अब इसके ऊपर बनेगा ब्रिज, और इसके ऊपर ब्रिज बनाने से पहले ना मुझे यहाँ पर एक पिलर और बनाना है जो कि इससे एक ब्लॉक ऐसे ऊंचा होगा, और सेम टू सेम इतनी गैप पे यहाँ पर भी एक पिलर बनना है, और इससे भी इतना गैप होना चाहिए। तो 1 2 3 एक सेकेंड कुछ इस टाइप का, और यहाँ पर मुझे इसे भी स्ट्रिप करना है, और अभी देखना कितनी ज्यादा बढ़िया लुक आने वाले इस पूरे के पूरे ब्रिज के। परफेक्ट, तो यहाँ पर भी फटाफट से हम लोग ब्रिज को बना के पूरा कंप्लीट करते हैं। एंड यहाँ पर दो ब्लॉक के गैप पे मुझे इसे दोबारा से लगाना है। पहले तो इसको हटा देता हूँ, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो अभी जो ब्रिज का बेस है, जितने भी पिलर्स हैं, वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब बस मुझे वो रास्ता बनाना है जिसके थ्रू मैं जाने वाला हूँ। बट अभी ना मैंने एक प्रॉब्लम कर दी, अपनी बोट यहाँ से चले तो जाएगी बट ना थोड़ा सा गैप कम है। मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ कि क्या इतने स्पेस में मैं अच्छे से बोट निकाल पाऊंगा। वेट, शायद चले तो, अरे बहुत प्यार से जाएगी यार, मतलब अच्छा खासा स्पेस है काफी। ये तो ऐसे ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं, अपने पास और स्पेस है तो एक काम करता हूँ, एक एक ब्लॉक पीछे कर ही देता हूँ। इतनी बड़ी लेक बनाई है तो थोड़ा बहुत और चौड़ा ब्रिज बना देते, टेंशन वाली बात नहीं है। ऑल डन, तो अभी मैंने सभी पिलर्स को काफी अच्छे खासे गैप में रख दिया है, यानी अगर अब मैं अपनी बोट लेकर जाऊंगा तो मुझे काफी सारा अच्छा खासा स्पेस मिलेगा यहाँ से निकलने का। ठीक है, अभी आगे काम कंटिन्यू करते हैं। मुझे अब बस एक बेस बनाना है जिसके ऊपर से चल के भी जाया जा सके, तो उस बेस की स्टार्टिंग पहले तो करते हैं थोड़ा ना दूर से, एकदम चिपका के भी नहीं बनना चाहिए। तो पहली बात तो ये नीचे पाथ ब्लॉक है, मुझे इन पाथ ब्लॉक्स पे भी प्लैंक्स लाके रखने हैं। एक काम करता हूँ, मैं प्लैंक्स की जगह ना इसी को कुछ इस तरीके से रख दूंगा तो भी एकदम फ्लैट सर्फेस हो जाएगा ये। डन, तो यहाँ पर भी फटाफट से मैं रख देता हूँ इन प्लैंक्स को, और कुछ इस टाइप से इसका बेस होने वाला है। और जैसे जैसे ये एक एक ब्लॉक आगे बढ़ेगा, इसकी एक एक हाइट मुझे इस तरीके से बढ़ाते जानी है। जैसे यहाँ पर ये एक ब्लॉक और अब जाएगा, बट इसमें एक चेंज है, यहाँ पर ना मुझे ओक लोक वापस से लगाना है कुछ इस टाइप से, ये कुछ ऐसा सा दिखेगा। और ये जो चीज है ये एक एक और अप होगी, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ये बहुत छोटा लग रहा था। अब हम जैसे ब्रिज पे चढ़ेंगे बहुत सही फील देने वाला है, यहाँ तक ये पहुंचेगा इस लेवल पे, बट उससे पहले यहाँ पर ये यही लेवल होने वाला है, और उसके आगे सेम टू सेम यही लेवल कंटिन्यू होगा। परफेक्ट, तो अभी मुझे ये काफी ज्यादा सही लग रहा है अपने ब्रिज की जो एंट्रेंस है। अभी इसमें मैं और भी काफी सारी डेकोरेशन करने वाला हूँ, मतलब जैसे लैंटर्न वगैरह लगा देंगे, ये जो वॉल है इसको मैं यहाँ पर लगाऊंगा बीच बीच में जैसे। बट हाँ, अभी फिलहाल के लिए जो ब्रिज है वो आगे कंटिन्यू होने वाला है, और उसको मैं कंटिन्यू करूंगा कैंप फायर से। हाँ, मतलब ये थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, बट जब ये प्लेस हो जाएगा और मैं इसको जब बुझाऊंगा ना, तब आप लोग इसकी लुक देख के हैरान हो जाओगे। ये देखो, मतलब ये बुझा करना कुछ ऐसा दिखने वाला है। एंड एक सेकंड, यार ये वाला कैंप फायर जलता ही रहेगा, ऐसे पिकैक्स से तोड़ूंगा कॉज उसमें सिल्क टच है। वैसे मुझे ना अभी एक बार इन सभी को तोड़ना होगा, क्योंकि मैंने प्लान करा है कि क्यों ना इसको जिगजैग पैटर्न में लगाया जाए। एक लगेगा ऐसे और दूसरा लगेगा कुछ इस वे में, फिर ये वाला भी जाएगा इस वे में, फिर एक ऐसे है तो एक ऐसे जाएगा, फिर एक सेकंड, मतलब जितने भी है ना सारे एक दूसरे के अपोजिट है भैंस की, इनको पहले बुझाना पड़ेगा मुझे। वैसे भी देखने में आप लोग को अजीब लग रहे होंगे, बट ये जब पूरे बन जाएंगे ना तब ये बहुत सही लगेंगे। एक मुझे यहाँ पर लगाना है, दूसरा यहाँ पे लगाना है, फिर एक यहाँ पे लगाना है, दूसरा यहाँ पे लगाना है, और बस बस भाई भाई जल गया बंदा। 1 2 3 4 परफेक्ट। तो अभी ये देखो कितना मस्त जिगजैग पैटर्न आ रहा है। वैसे जरूरी नहीं है मैं उसके ऊपर ही चढ़ के लगाऊं, मैं थोड़ा सा दूर रहकर भी उसे इस तरीके से लगा सकता हूँ, और वहां पर जाने से पहले उसे भुजा दूंगा तो अपना काम हो जाएगा। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली काफी सारा काम कंप्लीट हो चुका है। आप लोग को याद होगा कि लास्ट टाइम मैं एक ब्रिज बना रहा था, बट उसको बनाने के बाद मैं सोने चला गया था, और अभी मैं नेक्स्ट डे इस वीडियो को वापस कंटिन्यू कर रहा हूँ, और साथ ही मैंने बहुत सारा और भी काम कंप्लीट कर दिया है। सबसे पहले तो आप लोग ना ये ब्रिज देखो, जो कि सचमुच में बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। मैंने ना यहाँ पर एक छत भी बना दी लकड़ी की, कि कल को बारिश वगैरह हो तो ब्रिज पानी से बचाने का भी काम कर ले। और सेंटर में ना मैंने दो ब्लॉसम्स लगाए हैं, ताकि ये जो ग्रीन ग्रीन पार्टिकल्स है ना इस ब्रिज के नीचे चलते रहे, मतलब थोड़ी एकदम प्यारी वाली वाइब यहाँ पर आएगी। और मैं ना थोड़ी बहुत लैंटर्न्स लेकर आया हूँ, क्योंकि ना यहाँ पर अंधेरा बहुत ज्यादा है, तो मैं नहीं चाहता यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ वगैरह स्पॉन हो। तो रात के टाइम पर भी यहाँ पर बहुत अच्छी खासी लाइट नहीं रहे, तो भर भर के लैंटर्न्स मैंने यहाँ पर लगाने की प्लानिंग बनाई थी, और ये लगा दी। और सेम टू सेम इसी टाइप का ब्रिज मैंने दूसरी साइड पर भी बनाया, वो क्यों वो भी आपको पता चल जाएगा, बट पहले बस ना एक छोटा सा ब्रिज देख लो। उसके बाद ही जो मैंने दो लेक्स बनाई थी ना, मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया है तीन लेक में। मेरी शवल की हेल्थ देख रहे हो, बेचारी रो पड़ी है। बाकी हाँ, आप लोग एक बार ब्रिज देखो, ये वाला ब्रिज भी काफी ज्यादा सिमिलर है उस वाले ब्रिज के। एंड इन सभी एरिया का एक बारी ना मैं आपको टॉप व्यू देता हूँ। पहले चलते हैं इलाइट्रा से ऊपर, और अब आने वाले हैं नीचे। तो कुछ इस टाइप की यहाँ पर ये जो लेक है वो मैंने बनाई है, मतलब जो लेक यहाँ पर थी वही उधर तक जा रही है। मैं अपनी बोट निकालता हूँ, बोट से चलेंगे। चलो गाइस, तो अभी मैं आपको एक छोटा सा टूर कराने वाला हूँ, तो अपनी बोट जो है उसमें मैं यहाँ पर आकर बैठ चुका हूँ। पहले मैं चाहूंगा इस वाले ब्रिज के नीचे से, फिर उसके बाद ये कुछ इसी तरीके से आगे गई हुई है। यहाँ पर एक छोटी सी रिवर है, और ये वाली रिवर उस दूसरी वाली लेक से आपस में कनेक्ट हो रखी है, और यहाँ इसके नीचे से भी मैं निकल जाता हूँ, बस ऐसा लगता है थोड़ा सा सर टच हो रहा है, बट मस्त है यार, ठीक है। और ये है अपनी दूसरी बड़ी वाली लेक।
तो ये वाली चीज़ भी मैंने पूरी की पूरी कंप्लीट कर दी है। एंड अभी अपना जो वर्ल्ड है, इतने सारे ट्रीज, इतना सारा पानी वानी डालने के बाद काफी ब्यूटीफुल होता जा रहा है। बट हाँ, अभी भी कुछ ऐसा एरिया है जो कि काफी ज्यादा फ्लैट है, तो मेरा प्लान ये है कि यहाँ पर ना मैं एक छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं, बस छोटा सा विलेज बनाने वाला हूँ। और साथ ही जो दूसरी वाली साइड है, यहाँ पर तो मैं प्रॉपर एक वीट फार्म बनाऊंगा और उस पर बोन मिल वाले उसे उगा दूंगा, उसका यूज नहीं करूंगा एक तरीके से, बस वो सजाने के लिए। हाँ, तो यहाँ पर बस वीट फार्म बनाना है। और एक ना छोटी सी चीज मेरे दिमाग में काफी देर से चल रही है, बनाऊ या ना बनाऊ, बट हाँ अभी मैंने डिसाइड कर लिया, उसे बना लेते हैं। अब वो चीज क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। मतलब उसके लिए ना मैंने यहाँ पर थोड़ा सा एरिया भी बना रखा है। वेट, मैं आपको चल के दिखा दूँ। ओके, तो ये वाला जो एरिया है ना, देखो यहाँ पर मैंने पहले दो ट्रीज उगाए थे, बट अभी उसको हटा दिया है क्योंकि यहाँ पर ना मैं वो बनाने वाला हूँ, जैसे फिशिंग नहीं करते ऐसे, क्या बोलते हैं यार, मैं चीज का नाम भूल गया, थोड़ा नाम क्या करना, मैं सीधा बना ही देता हूँ। मतलब मेरे को ना प्रॉपर एक प्लैंक लगा के कुछ तो बनाना है। ये देखो, ये मैंने शायद आप लोग को दिखाया नहीं था, यहाँ पर ना मैंने ऐसा दिखाया कि जैसे एक बोट यहाँ पर डूब गई हो और मैंने कैप्टन स्केलेटन यहाँ पर लगा दिए। इन भाई साहब की चेस्ट में थोड़ा बहुत गोल्ड भी रख दिया है, थोड़ा नेचुरल फील देने के लिए। लेट्स गो। फिलहाल अभी ना वो छोटा सा फिशिंग एरिया बना देते हैं। मतलब ऐसे यार मेरे को ना माइंड में आ नहीं रहा है एग्जैक्ट वर्ड उसे बोला क्या जाता है, बट मेरे माइंड में ये है कि आखिरकार वो बनने कैसे वाला है, तो उसको बना डालते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर तो वो थोड़ा सा लंबा होगा इस तरफ में, और इसके ऊपर मेरा प्लान है कि मैं ना एक बोट रखूँ कुछ इस टाइप से, मतलब डेकोरेशन के लिए। और सेम टू सेम सामने भी मैं यहाँ पर लगाऊंगा ब्लॉक, और इसको भी उतना ही ऊपर करके इसके ऊपर भी बोट रख देते हैं। ये रखी यहाँ पर, और थोड़ी बहुत छटाई करनी पड़ेगी यार, यहाँ पर पेड़ पत्ती काफी ज्यादा पास हो रहे हैं, थोड़ा दूर हो भाई। इसको बैठ के ना मुझे थोड़ा सा रोटेट करना है, अभी परफेक्ट है, ठीक है। तो अभी सामने उतर के देखता हूँ कैसा दिख रहा है। अभी शायद से आपको ज्यादा आइडिया नहीं लगा होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, बट जब ये चीज बन जाएगी ना तब शायद आप लोग समझ जाओगे। तो अभी बस मुझे प्लैंक चाहिए, और ये प्लैंक मैं लगाने वाला हूँ इस हाइट पे। वेट, ये थोड़ा ज्यादा ऊंचा हो गया, थोड़ा सा नीचे ही रखते हैं, और इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ आगे की तरफ। एंड सेम टू सेम इस तरफ भी होने वाला है। अब आप समझ गए होंगे, जैसे मतलब फिशिंग करने जाते हैं थोड़ा सा बना नहीं होता हमेशा नदी के आसपास, इस चीज को कहते क्या यार, कमेंट्स में जाके जरूर बताना, मैं सचमुच में भूल गया हूँ। डन। तो कुछ इस टाइप की मुझे से फील लेनी थी, मतलब एकदम प्रॉपर नहीं बना हुआ, ऐसी फील है कि जैसे हाँ ये थोड़ा बहुत आगे से टूट गया है, तो मैंने एकदम बराबर नहीं बनाया इसे। अब यहाँ पर ना मुझे बस एक बोट रख देनी है। वेट, मेरे पास एक यही बोट बची हुई है, तो इसी को मैं यहाँ पर रख देता हूँ। मतलब फिशिंग एंड बोटिंग के लिए एरिया है। और वेट, इस बोट को रखने के बाद तो मेरा स्केलेटन नहीं दिख रहा, चल भाई थोड़ा साइड हो, इसको यहीं पर ऐसे रेंडमली छोड़ देते हैं तो ज्यादा अच्छी लगेगी। फिलहाल अभी ये पूरा कंप्लीट हुआ है, मुझे बैक साइड में भी थोड़े बहुत प्लैंक्स लगाने हैं, फिर उसके बाद बस इसका एक फ्लोर रेडी करना है बढ़िया वाला। एंड वेट, मेरे पास स्प्रूस प्लैंक्स खत्म हो गए हैं, तो लेकर आने पड़ेंगे पहले तो। ऑलराइट, तो इसको कंप्लीट करने के लिए मैं थोड़ा बहुत और सामान लेकर आ गया था, और मैंने यहाँ पर ना प्रॉपर स्टेयर्स वाली चीज तो बना दिया यहाँ तक की, बट मेरे दिमाग में कुछ और चेंजेस है, उसको यहाँ पर लगाते हैं। ये जो स्प्रूस ट्रैप डोर है, इसको मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ ताकि थोड़ी बहुत और फिनिश वाली लुक आए, और सचमुच में अभी ये काफी बेटर लग रहा है पहले से। तो इसको बस मुझे ना तीनों साइड लगाना है ताकि इसके जो पिलर्स है ना थोड़े बहुत हैवी लगे। लेट्स गो। थीम देने में शायद से तुम्हारा भाई माहिर है अभी। ओ वेट, एक सेकंड, ये वाली साइड तो रही गई थी। डन। तो इसके भी चारों साइड मैंने ये ट्रैप डोर लगा के इन दोनों पिलर्स को एकदम परफेक्ट कर दिया है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे इसे आगे जोड़ना चाहिए या फिर इसको ऐसे जमीन से, ओ यहाँ से थोड़ा अजीब लग रहा है। अपने पास ना ये ओक के ट्रैप डोर्स हैं, तो क्यों ना मैं इसको यहाँ पर ऐसे लगा दूं, और सेम टू सेम यही चीज मैं दूसरी साइड पे लगाकर नीचे जो सपोर्ट है उसके लिए मैं फेंस लगा दूं, तो सच में एक बहुत ज्यादा बढ़िया फील आने वाली है। एक बार बस लगा के देखते हैं। तो मुझे इसके नीचे वाले ब्लॉक पे जाना है, और कुछ इस तरीके से बस फेंस को लगाकर ऐसी फील देने के, हाँ जैसे नीचे से एक सपोर्ट आ रहा है। एंड शायद से काफी हद तक तो ठीक लग रहा है। एक बार नीचे ये भी लगाकर देख लेता हूँ, स्ट्रिप कर लेते हैं। समझ नहीं आ रहा यार, ये लगाऊं या फिर वो। वेट, शायद से ये फेंस ही ठीक है। एंड सेम टू सेम मुझे इस वाली साइड पर भी करना है, तो हम नीचे से बॉटम से करते हुए आता हूँ। परफेक्ट। अगर आप लोग अभी यहाँ से देखोगे तो काफी ज्यादा ठीक लगेगा, बट जो फ्रंट साइड है उसमें अभी भी कुछ ना कुछ कमी है, तो यहाँ पर मैं एक और ऐसे जोड़ देता हूँ। बट ये दोनों साइड का है, तो इधर दोनों साइड भी जोड़ने चाहिए। कुछ इस टाइप से इसका बेस सेट हुआ है, और ठीक लग रहा है काफी तक। हाँ, मतलब ऐसा लग रहा है कि नेचुरल ब्रिज है फिशिंग वगैरह करने के लिए, या फिर ऐसे बोट वोट पे कहीं जाने के लिए, तो मेरे हिसाब से तो ये परफेक्ट है। सोच रहा हूँ इसको तीनों हर जगह पर ही बना दूं। इन गाइस, एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया जादू, जिसके लिए बस मुझे ना थोड़ा बहुत ग्लो स्टोन और ये कारपेट चाहिए। तो पहले तो इसको फेंक दो, इसका यूज नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ ना, यहाँ पर इसको हटा के नीचे रखूंगा ग्लो स्टोन, उसको ढक दूंगा कारपेट से। अब यहाँ पर रोशनी भी होगी, और ऐसा लग भी नहीं रहा कि हमने कोई ब्लॉक छुपा रखा है। इसको भी यहाँ पर लगा के ऐसे एकदम कवर कर देते हैं, यहाँ पर मॉब्स वगैरह भी स्पॉन नहीं होंगे। अरे भैंस की टांग, मॉब्स का नाम लिया, पीछे से ही भक्कर आ रहे हैं बेटा, चले हो बहुत मारो, निकल यहाँ से।
वेट यार, ये लोग ऐसे नहीं मरने वाले, शायद से मुझे थोड़ी देर सोना ही होगा। गुड मॉर्निंग। तो भी फिलहाल नेक्स्ट डे हो चुका है और मेरा प्लान ये है कि अपने कासल के सामने डेकोरेशन के लिए आज मैं उगाने वाला हूँ इस पूरी फील्ड में बहुत सारी वीट। तो बस मुझे ना पहले एक चीज कंफर्म करनी है कि अगर मैं इस जगह को तोड़ के यहाँ पर पानी डालता हूँ और उसके अगल बगल जितना भी एरिया है यहाँ पर, इसको मैं फार्म लैंड में कन्वर्ट कर दूँ इस हो से, तो कितनी रेंज तक ये ड्राई होगा। जैसे भी यहाँ पर ये तो वेट हो गया है, मेरे को बस पता करना है कि कहाँ तक ये जो मिट्टी है वो सूख जाएगी। जैसे इतनी शायद से पानी की रेंज काम नहीं करेगी, तो ये वापस से डर्ट बन गई ना, तो मुझे हर थोड़ी थोड़ी दूर में ना यहाँ पर पानी डालना पड़ेगा। शायद से इसकी 7 ब्लॉक की रेंज होती है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो नहीं 7 नहीं, शायद से टोटल 7 होती है, तो 1 2 3। फिर उसके बाद मुझे यहाँ पर दोबारा से पानी डालना है। कोई बात नहीं, बीच बीच में कहीं पर भी पानी डाल देते हैं, बाद में मैं पानी छुपा ही डालूंगा वैसे भी। ओए वेट, यहाँ तो ऑलरेडी पानी भरा पड़ा है। चलो कोई नहीं, डर्ट हटा के मैं सीधा यहीं से पानी ले लेता हूँ ना। तो पहले तो एक काम करता हूँ, पूरी की पूरी फील्ड में ना अच्छे से पानी डाल देते हैं ताकि जितना भी फार्म लैंड में बनाऊ उसमें पानी की कोई कमी ना पड़े। ओके, तो अभी फिलहाल मैंने हर तरफ अच्छे से पानी डाल दिया है। अब बस मुझे इस पूरी की पूरी ग्रास को ना फार्म लैंड में कन्वर्ट करना है जल्दी से। एंड वैसे भी इन सब कामों में मेरी स्पीड काफी ज्यादा तेज है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस कहीं का भी एरिया ना ड्राई होना ना शुरू हो जाए। यार गाइस, मैंने ना थोड़ा मजे में बोल दिया था कि ये काम मैं फुल स्पीड में कर लूंगा, बट अभी समझ आ रहा। और वेट, यहाँ पर तो ड्राई होना भी शुरू हो गया। शायद से मैं यहाँ पर ना एक बकेट वाटर और डालना पड़ेगा, तब शायद ये ड्राई ना हो। वैसे भी पानी की कोई कमी नहीं है, तो जहां पर भी ड्राई होगा मैं पानी डाल दूंगा। लेट्स गो गाइस। तो फाइनली मैंने पूरी की पूरी फील्ड को फार्म लैंड में कन्वर्ट कर दिया है और अब मैं यहाँ पर एकदम बढ़िया तरीके से वीट उगा सकता हूँ। अब बस ना बीच बीच में कोई भी ये जो फार्म लैंड है ड्राई ना हो जाए, क्योंकि ड्राई होकर डर्ट बन जाती है, फिर वहाँ पे ग्रास उग जाती है और वीट हट जाती है। तो मेरे को बस ना यहाँ पर सीड लगानी है कुछ इस तरीके से, और इस पे ना मैं बोन ब्लॉक तो लिया, इसको बोन मिल में कन्वर्ट करेगा। डन। तो मेरे पास बहुत सारा बोन मिल भी है, तो अभी ना बस मुझे इस बोन मिल को इस पे मारना है। वैसे थोड़ा वेट करूंगा तो ये अपने आप ही वीट में बन जाएगा, बट मुझे ज्यादा वेट नहीं करना। एक काम करते हैं, पहले ना सारी सीड लगा ही देते हैं, फिर उसके बाद एक ही बार में ना बोन मिल मार के इन सभी को मैं अच्छे से ग्रो कर लूंगा। सीड्स मस्त है यार, फुल स्पीड में मैं लगाते जा रहा हूँ। आधे से ज्यादा फार्म कंप्लीट हो चुका, वेट आधे से ज्यादा तो नहीं, अभी शायद से 25% फार्म कंप्लीट हुआ है। और वेट यार, एक तो कहीं कूद के चले जाओ ना, तो ये देखो जैसे मैं यहाँ कूदा ना ये डर्ट बन जाएगा, तो मुझे इसे वापस से ठीक करना पड़ता। बाकी यहाँ ठीक है, अभी खत्म करते हैं जल्दी से काम को। ऑलराइट गाइस, तो भी फिलहाल हर तरफ मैंने सीड्स तो लगा दिए हैं, बस इसको ग्रो करने के लिए ना मैं भर भर के यहाँ पर इस बोन मिल को मार रहा हूँ। उस साइड की फील्ड मैंने काफी अच्छी खासी ग्रो कर दिया, बट इधर अभी थोड़ा बहुत टाइम लगने वाला है, प्लस बहुत सारा बोन मिल भी लगने वाला है। यार मैं 8 ब्लॉक लेकर आया था, मुझे लग रहा था इतने में तो हो जाएगा, लेकिन अभी मैं उसके बाद 20 ब्लॉक और ला चुका हूँ बोन के। वैसे साइड की तो मैंने काफी अच्छे से ग्रो कर दिया, बट बीच का पार्ट काफी सारा रह गया, तो यहाँ पर भी फटाफट से मारते हैं बोन मिल को। ऑलराइट, तो भी ना मैंने यहाँ पर बहुत सारा बोन मिल बर्बाद करके इन सभी वीट को ग्रो कर दिया है। बट यार मस्त है, वेट करने के बजाय तो ये तरीका ज्यादा बढ़िया है, थोड़ा बहुत टाइम जाता है बट तुरंत आउटपुट मिलता है। फिलहाल अभी मैं काफी सारा सामान लेकर आया हूँ, क्योंकि मेरा प्लान ये है कि क्यों ना बीच में ना एक मस्त स्केयर क्रो बनाया जाए। तो बस पहले उसके लिए मुझे बस फेंस रखना है ऐसे, और इसके ऊपर ना मेरे को लगाना है ये हे बेल। वेट, अरे लग जाए यार, एक सेकंड, शायद मुझे थोड़ा पीछे होना चाहिए, कुछ इस टाइप से मुझे यहाँ पर हे बेल लगाना है। ये गलत लगा था, इसको उठा देता हूँ। अब इसके एकदम टॉप पे मुझे लगाना है इस तरीके से पंपकिन, और इसके भी टॉप पर मुझे लगाना है स्लैब, और ऊपर जाने के लिए मेरे को एक ब्लॉक चढ़ना होगा। यहाँ पर लगा देता हूँ स्लैब, और इसकी टोपी बनाने के लिए ना मुझे चारों तरफ से, वाह अभी हमने फसल लगाई थी कि बारिश भी होगी, लेट्स गो। तो चारों तरफ ना मुझे बस इस तरीके से करना है ताकि इसकी थोड़ी कैप वाली फील आए। और अभी ना इसके हैंड में से, तो यहाँ पर अगर मैं ऐसे लगा दूंगा ना तो बिल्कुल इसके हाथ का काम करने वाला है, ये बन गया अपना स्केयर क्रो। एंड एक चीज और यहाँ पर मैंने खराब कर दिया, तो इसको मैं ऐसे लगा देता हूँ, इसको भी बाद में ग्रो कर देंगे। और साइड से देखते हैं कि बीच मेरा वैसे सचमुच में बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा है, तो मेरा मन ये कर रहा है कि क्यों ना 2-3 बना दूं, एक इधर बना देता हूँ, एक उस कोने में भी बना देता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली अपना वीट फार्म भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर ना मैंने हर जगह पर बहुत सारे हेबेल ला के रख दिए हैं, ताकि जो नीचे का पानी है ना आपको दिख रहा होगा, इसको मैं छुपा सकूं। मतलब टॉप व्यू से मैंने ऐसे देखा था, काफी अच्छा दिख रहा था, बट वो जो पानी है ना वो बीच बीच में बहुत अजीब लग रहा था। बट अभी अपना जो वीट फार्म है, ओवरऑल पूरे के पूरे कासल का अगल बगल का जो एरिया था ना उसकी लुक बहुत ज्यादा मस्त हो चुकी है। बट ये एरिया फ्लैट दिख रहा है, तो यहाँ पर मैं बनाने वाला हूँ एक विलेज, और उसके बाद बस मैं एक चीज और बनाऊंगा। जैसे ये जो जू का बोर्ड है ना, सेम एक इस टाइप का ही बोर्ड मैं म्यूजियम का बनाने वाला हूँ एकदम इसके ऊपर, तो फटाफट से उसे कंप्लीट करेंगे। बट अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ सोने, और नेक्स्ट डे विलेज है, विलेज में बस 2-3 हट्टी बनाऊंगा, ज्यादा बड़ा विलेज नहीं बनाएंगे यार। तो विलेज
बनाने के लिए मैंने बहुत सारे स्टोन ब्रिक्स, चिजल स्टोन ब्रिक्स, स्प्रूस प्लैंक्स एंड ओक लॉग्स ले लिए हैं और इन्हीं सब में शायद से प्रॉपर विलेज बन जाना चाहिए। वैसे हाँ, और कुछ मेरे हिसाब से नहीं होता। वैसे नॉर्मल जो विलेज हाउस होते हैं उसमें तो कॉबल स्टोन यूज होता है, बट मैं कॉबल स्टोन यूज करने नहीं वाला, मतलब थोड़ी अच्छी फील लेते हैं यार स्टोन ब्रिक। तो सबसे पहले जो एंट्री है इसकी वो मैं देने वाला हूँ यहाँ से। तो सबसे पहले तो एंट्री के लिए ये वाले जो दो तीन ब्लॉक्स है मैं इसको तोड़ देता हूँ ताकि ऐसा लगे कि हाँ विलेज में जाने का रास्ता बढ़िया है। और रास्ते से याद आया, रास्ता बना भी तो होना चाहिए, तो रास्ते को हम लोग कुछ इतना ही बनाने वाले हैं, ज्यादा चौड़ा नहीं करूंगा। साइड साइड में ना स्टोन ब्रिक्स प्लेस कर देंगे, थोड़ी कंप्लीट वाली फील आती है। तो एक घर का रास्ता मैं निकालूंगा इस तरफ में, यहाँ पर बनाऊंगा एक हट। दूसरा वाला हट होगा इस तरफ में, ये वाला हट थोड़ा छोटा ही रखेंगे, यहाँ पर ऐसे एक हट बन जाएगा कुछ इस टाइप से। और इस तरफ आगे होगा एक हट मैं बनाऊंगा यहाँ पर आगे, और एक हट इधर बनाते हैं लेफ्ट। तो हाँ टोटल चार घर हो जाएंगे, और अगल बगल यहाँ पर मैं वेल बना दूंगा और एक ट्री लगा दूंगा बढ़िया सा, और इसे जल्दी से कंप्लीट करते हैं, ज्यादा लंबा काम नहीं है। तो सबसे पहले ना बेस पर मुझे कुछ इस तरीके से तीन प्लैंक्स रखने हैं, और विलेजर्स का घर शायद इतना ही बड़ा होता है, बट मैं थोड़ा बढ़िया आदमी हूँ तो थोड़ा उनको एक्स्ट्रा स्पेस दे देते हैं। वैसे नहीं यार, जैसे होते हैं वैसे ही बनाएंगे तो एकदम ओरिजिनल वाली फील आएगी। तो यहाँ पर तीन ब्लॉक्स, फिर इस तरफ में भी तीन ब्लॉक होने चाहिए। इन घर के बेस को चारों तरफ स्टोन ब्रिक्स से मैं कवर कर देता हूँ कुछ इस टाइप से। तो अभी फिलहाल के लिए ये कुछ ऐसा दिखने वाला है। तो शायद से ना इसकी एक हाइट और होनी चाहिए या नहीं वो खैर बाद में पता चलेगा, बट शायद अभी ठीक लग रहा है विलेज। इस विलेज के ना हर तरफ मुझे ना क्राफ्टिंग टेबल के थ्रू स्टेयर्स बना के लगा देना चाहिए सबसे पहले। तो इन स्टेयर्स में बनाने वाला हूँ ओक का, तो रख देते हैं इन सबको ऐसे। और भैया बारिश के पीछा नहीं छोड़ रही है मेरा, कोई बात नहीं अपना काम कंप्लीट करते हैं, बारिश होने देते हैं। देखो भाई कुछ इस टाइप का दिखने वाला है एक विलेजर का हाउस अपने विलेज के पास। ये मैंने से पूरा कंप्लीट कर दिया, और थोड़े बहुत और स्टेयर्स मेरे को बनानी पड़ेगी कुछ इस टाइप से। अभी देखो ये विलेज का घर जो है कैसा लग रहा है। वैसे देखा जाए तो ठीक ठाक है, एक दरवाजा यहाँ पर लग जाएगा, और हर साइड कवर करने के लिए ना मैं डायरेक्ट ओक लॉग लगा देता हूँ, और इस ओक लॉग को मैं स्ट्रिप कर दूंगा कुछ इस टाइप से, तो ठीक लगेगा काफी। वैसे यार मैंने ना एक कुछ नया डिजाइन ही बना दिया, इस तरीके के नहीं होते विलेजर्स के घर, बट कोई नहीं ऐसा जरूरी थोड़ी है, सेम ही बनाया यहाँ पर मैं विंडो। ओ अब मुझे समझ आया मुझे हाइट क्यों कम लग रही थी। अगर मैं यहाँ पर विंडो लगाऊंगा ना मेरे को ये हटाना होगा पहले, तो यहाँ पर ना पहले तो एक हाइट मैं बढ़ा देता हूँ इसकी, और यहाँ पर मैं विंडो को इजिली लगा पाऊंगा। और फैंटम्स आगे भैया मत पंगे लो भाई, मैं मारूंगा तुम्हारी ऐसी तैसी। लेट्स गो। तो एक घर मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया है, बस मुझे से थोड़ा बहुत स्ट्रिप करना है हर तरफ से, और इसके बीच में ना ग्लास लगाने हैं, बट पहले ये कंप्लीट करते हैं। लेट्स गो। तो फाइनली पूरा का पूरा घर जो है कंप्लीट हो चुका है, और ये कुछ इस टाइप का दिखने वाला है। वैसे यहाँ अभी इसका अंदर से मैं कुछ नहीं बनाने वाला, बस यहाँ पर ऐसे दरवाजा लगा के बंद कर देते हैं ताकि अंदर का एरिया दिखे भी ना। ऊपर बस मुझे यहाँ पर स्लैब्स लगाने हैं ताकि छत बन जाए। मैं ग्लास लेकर आ गया हूँ हर तरफ के विंडो को पूरा कंप्लीट करने के लिए। और वैसे भी यार छत पे लगाने के लिए मेरे पास ना ये मस्त ब्लॉक है, तो इसको चारों तरफ मैं लगा देता हूँ, ये भी काफी ज्यादा सही लुक देंगे। वैसे ठीक है, इतना बुरा नहीं लग रहा है, सोच रहा हूँ एक लेयर और कर दूं क्योंकि घर ना थोड़ा ऊंचा ऊंचा सा लग रहा है यार अंदर से। हाँ अभी थोड़ी बहुत परफेक्ट एक अच्छे विलेजर वाली फील आ रही है। एंड ये जो हाउस है ये कंप्लीट है, इसके अंदर बस मुझे बेड ला के रखना है, बट बेड तब लाएंगे जब यहाँ पर पहले कोई विलेजर आएगा। तो पहले सारे घर बनाते हैं, फिर यहाँ पर विलेजर्स को लाएंगे, फिर उनके उनके काम के हिसाब से उनको घर दे देंगे। लेट्स गो गाइस। तो भी फिलहाल विलेज भी पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब बस मैं हर घर के बाहर ना टॉर्च लगा दे रहा हूँ ताकि रात में ना यहाँ पर ज़ॉम्बीज वगैरह स्पॉन ना हो। और जब मैं यहाँ पर विलेजर्स ले तो उसके बाद मैं यहाँ पर एक गोलेम को भी स्पॉन कर दूंगा। फिलहाल ये जो एरिया है ना मैंने बिल्कुल एक नेचुरल विलेज जैसा कर दिया, यहाँ पर ट्री जैसे विलेज में होता है इधर बेल लाके लगा दिए, मॉसी कॉबलस्टोन्स लाकर लगा दिए जमीन पे भी वहां पे भी। और हाँ अभी एक चीज है, जैसे है ना थोड़ा थोड़ा फ्लैट है, तो यहाँ पर मैं बोन मील मार के थोड़ी थोड़ी ग्रास उगा दे रहा हूँ, टॉल ग्रास नहीं रख रहा हूँ, बस मुझे एक नॉर्मल साइज की ग्रास चाहिए जिससे कि हाँ ये जगह थोड़ी बहुत और फिल हो जाए। फ्लैट कुछ नहीं होना चाहिए भाई इस वर्ल्ड में, हर एक जगह को मैंने अच्छे से भर डाला है, मस्त मस्त फ्लावर्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर उग गए हैं। अब बस इस पूरे के पूरे विलेज में कमी है, तो वो है विलेजर्स की। एक बार चल के ना टॉप व्यू देखते हैं कि आखिरकार अभी जो अपना वर्ल्ड है वो कैसा दिख रहा है। भाई सचमुच में ये वाला पार्ट तो बहुत ज्यादा ही, सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल पार्ट ये बना। और वेट एक चीज तो मैंने दिखाई नहीं, यहाँ पर भी गाइस मैंने वो छोटा सा वो बढ़िया वाला एरिया बना दिया फिशिंग करने के लिए, पर थोड़ा बजट कम था इसलिए सस्ता बनाया। फिलहाल दूसरी वाली साइड भी एकदम मस्त तरीके से बन चुकी है, अब बस एक लास्ट चीज रह गई है, वो है ये वाला बोर्ड। अब बस मुझे यहाँ पर म्यूजियम का बोर्ड बनाना है, बट उसके लिए ना मेरे को ढेर सारे क्वार्ट्ज लेकर आने पड़ेंगे जो कि मेरे पास नहीं है। तो फटाफट से चलते हैं सबसे पहले तो यार नेदर में। तो पीछे बहुत सारे क्वार्ट्स हैं जो कि मैंने मिस कर दिए। मेरी पिकैक्स में वैसे फॉर्च्यून लगा हुआ है, तो मेरे को बहुत मल्टीपल मिलने वाले हैं, मतलब मैं एक तोड़ूंगा तो मुझे सीधा
दो मिलने वाले हैं और इस टाइम पर मुझे वैसे ज्यादा नहीं बस 3 से 4 क्वार्ट्स की जरूरत है, आई मीन 3 से 4 स्टैक क्वार्ट्स की जरूरत है। ठीक है यार, बातें कम करते हैं, फटाफट से ना ढेर सारा क्वार्ट्स माइन कर लेते हैं। ऑलराइट गाइस, तो भी फिलहाल मैं वो सारा का सारा सामान लेकर आ चुका हूँ जो कि मुझे म्यूजियम के बोर्ड को बनाने के लिए चाहिए था। अब देखो, काम स्टार्ट करने से पहले ना मुझे पता करना होगा कि आखिरकार उसका फ्रेम कितना बड़ा होने वाला है। जैसा सामने जू लिखा है तो उसका फ्रेम थोड़ा छोटा है क्योंकि उसमें 3 ही लेटर्स हैं, बट म्यूजियम जो कि एक बड़ा वर्ड है MUSEUM, तो टोटल 6 लेटर्स हैं, यानी जो बोर्ड है वो उसके डबल साइज का बनेगा। तो सेंटर यही है अपने पास, तो पहले तो बोर्ड बनाना स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो बोर्ड का जो बैकग्राउंड है वो ये होने वाला है, तो मैं काम करता हूँ इसको ना थोड़ा सा पीछे वाली साइड पे रखता हूँ ताकि नीचे से ना पूरा पढ़ने में आए। तो सेंट्रल लेन पे ना मैंने एक मस्त ब्लॉक लगा दिया है और सबसे पहले ना मैं वो वाला फ्रेम बनाऊंगा जिसपे मैं टेक्स्ट लिखने वाला हूँ। तो अभी फिलहाल मैंने इतना फ्रेम कुछ बिल्ड करा है, अब मान लेते हैं कि MUS इस तरफ लिखकर आने वाला है एंड EUM इसके आगे लिखूंगा, बट मैं पहले एक फ्रेम बनाऊंगा फिर एक टेक्स्ट लिखूंगा, आई मीन एक लेटर लिखूंगा फिर उसके बाद नेक्स्ट फ्रेम फिर एक लेटर। पता चला पूरा फ्रेम बना दिया और वो छोटा बड़ा होगा तो मैं बार बार तोड़ने नहीं बैठूंगा। अभी फटाफट से ना यहाँ पर ई लिखते हैं। इन टेम्पररी ब्लॉक्स के लिए तो मैं ये प्लैंक यूज करने वाला हूँ, तो सबसे पहले तो बॉटम का मैंने वहां पर कितना 1 का स्पेस दिया है ना, नाइस। तो सबसे पहले तो ना मुझे यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लगाने हैं जिसका फेस उस तरफ में हो, और फिर यहाँ पर लगाना है एक ब्लॉक और उधर मैंने 4 ब्लॉक यूज करे हैं, तो ठीक है इधर भी 4 ही ब्लॉक यूज करने वाला हूं मैं। कुछ इस टाइप से ये बन गया अपना ई का बेस, और फिर उसके बाद यहाँ पर मैं एक ब्लॉक क्लाइंब करूंगा फिर ऊपर और बीच वाला जो ब्लॉक है वो ये होने वाला है, तो इसको भी यहाँ पर लगा के मैं ऐसे स्टेयर लगा देता हूँ इस पे। एंड टॉप साइड भी कुछ ऐसी सी बनेगी, यहाँ पर पहले एक स्टेयर जाएगी फिर इधर ब्लॉक फिर इधर ब्लॉक एंड कुछ इस तरीके से, ये समझ लो अपना जो ई है वो कंप्लीट हो चुका है। बस ना एक बार इसे नीचे उतर के मुझे देखना है। वेट, नाइस। तो ये देखो कुछ इस टाइप का मैंने यहाँ पर ई लिखा है, तो सारा कुछ मैं ऐसे ही बनाने वाला हूँ। ये अपना ई हो गया, फिर इधर आएगा यू फिर इधर आएगा एम, तो पहले राइट का एक लेटर लगाऊंगा फिर लेफ्ट साइड का एक मैं लेटर लगाऊंगा। मतलब अगर अभी मैं एम से लिखने बैठा ना कि हाँ भाई एकदम लाइन वाइज करते हैं तो फिर तो भैया सिमिलैरिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी सारा काम एकदम तरीके से होगा, तो समझ लो एक लेटर अपना कंप्लीट हुआ है। कुछ इस तरीके से मेरे को 5 और करने हैं, तो यहाँ पर मुझे एक ब्लॉक का गैप देना है, उसके बाद यहाँ पर लगाना है इस तरीके से ब्लॉक और ये होने वाला है एस की टॉप साइड, फिर यहाँ पर एक ब्लॉक जाएगा फिर उसके बाद नीचे कुछ इस टाइप से एक ब्लॉक जाएगा। एंड वेट, मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, फिर उसके बाद एक ब्लॉक यहाँ पे फिर एक ब्लॉक कुछ इस तरीके से नीचे, और अभी ना मुझे नीचे उतरना पड़ेगा और कूदना ही पड़ेगा, तो जंप मार के एक ब्लॉक मुझे यहाँ पर लगाना है एंड उसके बाद एक ब्लॉक यहाँ पे एक ब्लॉक यहाँ पे फिर इधर इधर, बस। तो ये समझ लो अपना एस पी मैंने कम्प्लीट कर दिया। और एक बार वापस यार मैं अभी मिल्क लेकर ही आना, कहाँ ऊपर ले आऊंगा भाई, बार बार इफेक्ट दे रहा है और मैं कुछ तोड़ ही नहीं पा रहा हूँ इसके चक्कर में, बट कोई नहीं, वैसे तोड़ने की जरूरत भी नहीं है। तो समझ लो ये अपना एस भी कंप्लीट हो गया, और सचमुच में यार एस बहुत ज्यादा बढ़िया बना है। वेट, एस ई, हाँ एकदम सेंटर में बना है, तो अभी एस और ई हो चुका है, अब मेरे को यू बनाना है राइट में और इस तरफ में बनाना है, नहीं नहीं हाँ दोनों तरफ यू बनाना है अभी तो मेरे को, नाइस। तो यू बनाने के लिए ना सबसे पहले उसका फ्रेम कंप्लीट करते हैं, एंड यू बनाना तो मेरे हिसाब से काफी ज्यादा सिंपल होने वाला है। बस मुझे एक ब्लॉक इस तरीके से रखना है, दूसरा यहाँ पे रखना है और बीच में कुछ इस तरीके से इनको लगाना है, और अभी उनको क्लाइंब करके थोड़ा सा ऊपर जाना होगा पहले, तो बस अब मेरे को यहाँ से एकदम स्ट्रेट कुछ इस तरीके से ऊपर जाकर यहीं पर एक स्टेयर लगानी है। यार इतनी मुश्किल से गया था। ओके, मैं वापस ऊपर आ चुका हूँ और कुछ इस तरीके से यहाँ पर ब्लॉक लगाना है और फिर सेम टू सेम नीचे जाना है, और शायद से यू ना ज्यादा अच्छा बना नहीं, पता नहीं वैसे हो सकता है सही बनाओ, मैंने अभी तक देखा नहीं, ट्राई करते हैं चक्कर। ओ नाइस, अच्छा तो बना है, तो एस ई यू भी एकदम परफेक्ट हो चुका है। अब सेम टू सेम ये यू मेरे को इस तरफ बनाना है और अब बस 3 लेटर्स बचे हैं, यू एम एम। अच्छा वाओ, काफी सेम वर्ड है यार, मतलब एम यू और एंड में भी यू एम। ऑलराइट गाइस, तो सब कुछ हो चुका है, और एक बार ध्यान से देखो कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है जो मैंने म्यूजियम लिख कर रहा हूं। स्पेलिंग तो गलत नहीं है ना, नहीं नहीं शायद से, हाँ यही होते कैरेक्टर स्पेलिंग, बिल्कुल मस्त लिखा है। अब बस थोड़ी बहुत कमी लग रही होगी आपको, और वो कमी है फ्रेम की, तो बस मुझे उसे जाके ना बस इसके हर तरफ मुझे ये प्लैंक्स लगाने हैं, और ये सेम टू सेम जैसा जू लिखा हुआ है ना सामने कुछ वैसा ही दिखने वाला है। लेट्स गो, देरी नहीं करते। एंड वेट, मुझे नीचे एक ब्लॉक छोड़ना होगा, यानी मेरे को कुछ एक ब्लॉक आगे से इसका फ्रेम बनाना है, स्टार्ट करना है। और वेट, अच्छा इफेक्ट नहीं दिया वरना मैं इसे तोड़ नहीं पाता, बट कोई नहीं, मैंने ढेर सारी मिल्क बकेट कैरी करी हुई है, नीचे इलेक्ट्रिक गार्डियन पाला हुआ है ना हमने, वो इफेक्ट दे देता है हमें। है ठीक है, इसका फ्रेम बस मुझे पूरा कंप्लीट करना है और अपना काम हो जाएगा। बहुत सारे प्लैंक्स मैं लेकर आया हूं क्योंकि सचमुच में फ्रेम बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है यार। तो ये इसका कुछ ऐसा बेस बन चुका है, मुझे पहले इन दोनों को ना तोड़ के यहाँ पर तो स्टेयर लगा
लगानी है सबसे पहले, और अभी जो फ्रेम है वो यहाँ से ना थोड़ा ऊपर की साइड को जाएगा। परफेक्ट। अब साइड आकर मेरे को स्टेयर्स को ना इस तरफ से लगाना पड़ेगा। वेट, ऐसे कूद के लगाता हूँ इधर, और इधर से तो इधर ही लगा दूंगा मैं। परफेक्ट। तो अभी ये जो फ्रेम के स्टेयर है ये भी हो चुके हैं, बस मुझे इस फ्रेम को कुछ इस तरीके से और आगे तक लेकर जाना है। मैं थोड़ा सा जुगाड़ कर रहा हूँ, वैसे पीछे भी लगा ही देते हैं, प्लैंक की अपने पास कमी नहीं है। चलो भाई, फ्रेम की टॉप साइड भी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, और अब बस मुझे यहाँ पर फ्रेम लगाना है, और इसके बाद मुझे इसमें ना डाउन स्टेयर लगानी होगी। डाउन स्टेयर ऐसे करके लग जाएगी, और उसके बाद मुझे नीचे से वापस कंटिन्यू करना है। एक बार उड़ के जाता हूँ और ऐसे ब्लॉक लगा देता हूँ, और मैं सच में बहुत ज्यादा नीचे आ गया। एक मिनट, एक रॉकेट मारता हूँ, सीधा उड़ते हुए जाऊंगा और ऐसे ब्लॉक लगाऊंगा ना पता भी नहीं चलेगा। ये लग जा लग जा। ओ नाइस, एक लगा दिया मैंने, एक ब्लॉक और लगाना है। तो चलो भाई, फाइनली पूरा का पूरा फ्रेम कंप्लीट हो चुका है। एक बार सामने चलते हैं, इधर से ही देखूंगा। यहाँ से ना बहुत ज्यादा बढ़िया व्यू आ रहा है अपने इस म्यूजियम के फ्रेम का, और जैसा कि मैंने सोचा था हमेशा की तरह एकदम परफेक्ट बना है। हर तरफ से ये बिल्कुल पता चलने वाला है, और एकदम मतलब पढ़ने में आ रहा है। बट वेट यार, पता नहीं क्यों वहां से देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे वो सेंटर में नहीं है। एक बार ही ना मैं खुद एकदम सामने से आके देखता हूँ, और यहाँ से तो एकदम करेक्ट है वो, शायद साइड व्यू की वजह से हमें लग रहा होगा। बिल्कुल एकदम सही तरीके से फ्रेम भी बना दिया, और अभी अपना जो वर्ल्ड है वो सचमुच में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो गया है। अब आप इसे कंपैरिजन करना है इसका जब आपने वीडियो स्टार्टिंग में देखी थी तब से, और एक मिनट यार थोड़ा ऊपर चल भाई, हाँ, और अब से पूरा ग्राउंड हमने पूरा भर डाला, लेक बना दी, ट्रीज लगा दी। ये वाला एरिया थोड़ी खाली है, यहाँ पर भी बहुत सारे ट्रीज लगाऊंगा। म्यूजियम के ऊपर भी काफी सारे चेंजेस हैं, नॉर्मल जगह, ब्रिज ब्रिज भाई पता नहीं क्या क्या बना डाला यार इस वीडियो में। तो चलो गाइस, आज के वाली वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये गेम प्ले वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो फटाफट से वीडियो को जाके लाइक करना, और इस वीडियो पर एम करते हैं 6 लाख लाइक के लिए। तो जाओ यार लाइक बटन दबा के गोल कंप्लीट में कर दो। कमेंट्स में अपने बढ़िया बढ़िया आइडियाज जरूर बताना नेक्स्ट वीडियो के लिए, और चैनल पे भी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।